Subscribe under 24/7 and press the bell icon. जॉब इंडिया पॉकेट। सो आज का जो सेशन है वो बेहतरीन टॉपिक है हमारा सिलॉक्स का। सिलॉक्स का टॉपिक है। बहुत बार आप बोल रहे थे मैम सिलॉक्स कराओ सिलॉक्स कराओ सिलॉक्स कराओ, तो भाई आ गया सिलॉक्स। मैंने आपको कहा था 10 से 12 दो घंटे हमारा सिर्फ चलेगा सिलॉक्स चलेगा, ठीक है। सिलॉक्स में बच्चा जो मेरा मेथड होता है पहले आप उसके बारे में जान लीजिए। जो भी ध्यान रखना, यदि आपको आज सिलॉक्स पढ़ना है ना, जो भी आपके दिमाग में वेन डायग्राम यदि आपको अच्छे से आता है तो आपको ये समझने की जरूरत नहीं है। यदि आपको टूटा फूटा और आपके क्वेश्चन अभी भी गलत होते हैं तो आपको ये मेथड समझना है। तो अपने मेथड जो भी आपके दिमाग में रख रखे हैं, चाहे वो वेन डायग्राम से क्यों ना करते हो अब तक, सब भूल जाओ, जीरो कर दो, बिल्कुल जो अपनी मेमोरी है उसे डिलीट कर दो सिलॉक्स के लिए, ठीक है। जो भी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। और सिलॉक्स में एक चीज का ध्यान रखना, क्लास में आ रहे हो तो उसे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखोगे, जब ही समझ में आएगा। ये मत समझना बोरिंग है क्लास, मैं नहीं ले रहा। यदि पेड क्लास होती, पेड कोर्सेज में होता तो करते ना, क्वेश्चन सॉल्व करते ना, तो अब क्यों नहीं करोगे भाई। अब तो करना ही है, फ्री में करा रहे हैं तो कर लेना, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए सिलॉक्स में यदि आपको रहना है तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रहोगे, जब भी एक एक चीज आपको सिलॉक्स की क्लियर रहेंगी। पेशेंस रखना है सिलॉक्स में जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो या मैं कंसेप्ट समझा रही हूँ, क्योंकि पेशेंस मैं भी रख रही हूँ ना, क्योंकि मैं कंसेप्ट समझा रही हूँ आपको, ठीक है। यदि कोई भी बच्चा बीच में आता है तो उसे मैं बता दूं कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बीच में आके ये बोले मैडम समझ नहीं आ रहा, तो नहीं आएगा। स्टार्टिंग से क्लास को देखोगे तो जब ही आपको समझ में आएगा। तो उससे पहले मैं ये कहूंगी कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्या कीजिए, फटाफट से बुलाइए, क्योंकि सिलॉक्स स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। चलिए यदि मैं सिलॉक्स की बात करूं, मेरा जो मेथड है वो वेन डायग्राम कतई नहीं है, ठीक है। मुझे नहीं आते गोले गोले बनाने। मेरा जो मेथड है वो है हमारा 150 मेथड। क्या है 150 मेथड? जब भी तो आप कहते हो मैडम कैसे उड़ा दिए क्वेश्चन, कैसे बिना पेन चलाए कैसे उड़ा दिए, बस दिमाग में कैलकुलेशन चल रही 150 150 क्वेश्चन सॉल्व। बच्चा यदि आप इस मेथड को अप्लाई कर रहे हो तो आपके आरआरबी एनटीपीसी एसएससी के जितने भी पेपर होते हैं, चाहे वो बैंक क्यों ना हो, सब निकल जाएंगे, ठीक है। बैंक में आप कहोगे मैम पॉसिबिलिटी भी हम 150 से करेंगे, चाहे वो रिवर्स सिलॉक्स क्यों ना हो, वो भी हम किससे करेंगे, 150 मेथड को अप्लाई करके हम बैंक में पॉसिबिलिटी एंड रिवर्स सिलॉक्स निकालेंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। पेशेंस जहाँ लूज करा है वहाँ पे चिक चिक करी, वहाँ पे गड़बड़ है भाई, वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो यदि आपको वेन डायग्राम पसंद है तो बच्चा आप वेन डायग्राम को ही करो, उसके अलावा कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपका पेपर निकले, चाहे वो मेरे कंसेप्ट से निकले या जहाँ से भी आपने पढ़ा है उस कंसेप्ट से निकले। मैटर करता है कि पेपर में कितनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो बिना गलती के, ठीक है, वो चीज़ मैटर करती है। आज का ज्ञान बहुत ज़्यादा हो गया है, तो बीच में जो भी बच्चा आता है ये मत कहना मैडम बताओ 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 समझ नहीं आ रहा, नहीं आएगा समझ में। मैं बोल रही हूँ यदि बीच में कोई भी बच्चा आता है उसे समझ में नहीं आएगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जुड़ना पड़ेगा, एक एक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, जब ही आपको सिलॉक्स समझ में आएगा। चैट विंडो आज नीचे कर देना ना, मैं चैट पढ़ूंगी फोकस के साथ, एक एक कंसेप्ट जहाँ भी मुझे पता है ना बच्चे गलती करेंगे वो कंसेप्ट मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। ना टाइम वेस्ट करते हैं, पहुंचे आप सीधा, चलिए भाई पहुंचते हैं। अब देखिए सिलॉक्स के यदि मैं बारे में बात करूं तो दो चीज होती है, क्या होता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। यदि मैं बात करूं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की, ठीक है, स्टेटमेंट मतलब होता है हमारा कथन, कंक्लूजन निष्कर्ष। और बच्चा हमेशा ध्यान रखना सिलॉक्स में मेरा ऐसा जो मेथड है वो 150 आपको हिंदी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंग्रेजी से ही आप 30 मार्क खा बन जाओगे सिलॉक्स में, ठीक है। देखो यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी, यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी तो कंक्लूजन भी हमारा क्या बनेगा, पॉजिटिव ही बनेगा किसी भी हाल में।
यदि स्टेटमेंट मेरी नेगेटिव होगी तो कंक्लूजन भी हमारा क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, ठीक है। यदि मेरी स्टेटमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव होगी, ये कैसे होगा मैं बताऊंगी। पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बनेगा, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक नेगेटिव स्टेटमेंट हो, जब वो पॉजिटिव और नेगेटिव होगी तो कंक्लूजन क्या बनेगा बच्चा, उस केस में भी जो कंक्लूजन बनेगा वो बनेगा हमारा क्या, नेगेटिव। स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी कंक्लूजन पॉजिटिव बनेगा, स्टेटमेंट नेगेटिव होगी कंक्लूजन नेगेटिव बनेगा, स्टेटमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव होगी कंक्लूजन नेगेटिव बनेगा। भागना नहीं है, तसल्ली से करो, ठीक है, कंसेप्ट वन बाय वन समझो, ठीक है। कुछ कीवर्ड्स होते हैं हमारे सिलॉक्स में जो मेन होते हैं, वो क्या होते हैं, ऑल, सम, नो और सम नॉट, ये कीवर्ड्स होते हैं हमारे, ऑल, सम, नो और सम नॉट। अब इसमें से पॉजिटिव कीवर्ड्स कौन से होते हैं, पॉजिटिव कीवर्ड्स होते हैं हमारे ऑल और सम। नेगेटिव कौन से होंगे, जिसमें नो लग जाएगा, नो या नॉट, वो होंगे हमारे नेगेटिव। ऑल, सम, नो और सम नॉट। अब भागना मत, मैम ऑलमोस्ट का बताओ, मोस्ट का बताओ, ओनली का बताओ, एंड में बताएंगे। भागना नहीं है, पेशेंस लेवल रखने हैं। पेशेंस लेवल कैसे रखोगे, तसल्ली से पढ़ के रखोगे, ये तो हो जाएगी, लुढ़क जाओगे, पेशेंस लेवल नहीं खोना। और हमेशा बोलूँगी सिलॉक्स पढ़ना है स्टार्टिंग से पढ़ना, नहीं तो मत पढ़ो, ठीक है। क्लास में 10 बच्चे भी देखेंगे तो मुझे पता है वो 10 बच्चे सिलॉक्स में कभी ज़िंदगी में गलती नहीं करेंगे, ठीक है। ऑल और सम, अब देखो मैंने आपको बताया था जो मेरा मेथड होता है वो कौन सा होता है, 150। अब ये 150 कैसे लेना है, यदि मैं बात करूँ ऑल की, तो ऑल में जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं फर्स्ट और सेकंड वर्ड, सिलॉक्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ऑल, कृष्णा आर सलोनी, ठीक है। यदि ये हमारी एक स्टेटमेंट आई है ऑल कृष्णा आर सलोनी, तो ऑल के साथ लेते हैं बच्चे हम 150, क्या लेते हैं ऑल के साथ, जो दो वर्ड हमारे कृष्णा के साथ 100 एंड सलोनी के साथ 50, यहाँ पे कुछ भी होता 150 ही लेते, ठीक है, थीके? तो ऑल के साथ आ गया 150 बच्चा, ठीक है। अब देखो अब क्या है हमारा सम, सम में यदि हम ले लें सम स्नेहा आर भारती, सम स्नेहा आर भारती, सम है तो आपको वर्ड्स जो लेने हैं, जो वर्ड्स लेने हैं, नंबर्स लेने हैं, वो क्या लेने हैं 50 एंड 50। सम को देखते ले लो भाई 50 एंड 50, तो सम को देखते ही हमने ले लिया, फर्स्ट वर्ड इज 50, सेकंड वर्ड इज 50, ठीक है। अब आते हैं हम नो के बारे में बात करते हैं, नो में ले लिया हमने नो अविनाश आर गजेंद्र, नो अविनाश आर गजेंद्र, नो अविनाश आर गजेंद्र। यदि मैंने नो को देख लिया, यदि मैंने नो को देख लिया तो हमें जो वर्ड लेने हैं वो लेने हमें 100 और 100। क्या मुझे अविनाश की ज़रूरत है, क्या मुझे गजेंद्र की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं है। अंग्रेजी इतनी आती हो कि बच्चा मैं यही मान के चलूँगी इतनी अंग्रेजी हर एक बच्चों को आती है, ठीक है, तो क्लास को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं होगी बिल्कुल भी। तो नो आया तो क्या आया 100 एंड 100, तो फर्स्ट वर्ड हमारा 100, सेकंड वर्ड हमारा 100, ठीक है। देन अब आ गया हमारा सम नोट, सम नोट में क्या ले लिया सम रजत, सम रजत आर नॉट रमेश, सम रजत आर नॉट रमेश, अभी आ गया सम रजत आर नॉट रमेश। जब हमारा सम नॉट आएगा तो हम क्या लेंगे 50 और 100, क्या लेंगे हम 50 और 100। जब सम नॉट आएगा तो हमारे जो वर्ड्स पे नंबर होंगे वो क्या होंगे हमारे 50 और 100। तो बच्चे यहाँ पे क्या आ गया 50 और 100, क्लियर है, इतनी सी बात तो क्लियर होगी। एक बार दोबारा देख लो, स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन पॉजिटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन नेगेटिव, स्टेटमेंट पॉजिटिव नेगेटिव कंक्लूजन नेगेटिव। क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑल वर्ड चाहिए, ठीक है, ऑल के साथ लेते हैं हम 150, सम के साथ लेते हैं हम 50 एंड 50, नो के साथ लेते हैं हम 100 एंड 100, सम नॉट के साथ लेते हैं हम 50 और 100। दो पॉजिटिव होते हैं ऑल और सम, नेगेटिव होते हैं हमारे नो और सम नॉट, ठीक है। अब बच्चा इसका जो अप्लाई करते हैं हम कंक्लूजन में वो कैसे करते हैं, अब अप्लाई करने का तरीका भी आना चाहिए कि स्टेटमेंट से कंक्लूजन तक रास्ता बनाने के लिए कि कौन सा फॉलो होगा कौन सा फॉलो नहीं होगा, वो कैसे करेंगे। तो बच्चा देखो ये हमारी स्टेटमेंट,
ये हमारा कंक्लूजन, ठीक है। थोड़ा सा साइड रख देते हैं हम इसे। ठीक है, यदि स्टेटमेंट में हमारा 100 है, यदि स्टेटमेंट में हमारा 100 है, यदि स्टेटमेंट में हमारा 50 है, यदि स्टेटमेंट में हमारा 50 है, ठीक है, चार केस बनते हैं। चार केस से आप इसकी कंक्लूजन तक की फॉलो है या नहीं आप जान लोगे। देखो, कंसेप्ट को ध्यान से समझना, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ आपने मिस करा वहीं पे गलत। आप कहते हो ना 150 से सही नहीं होते मैडम, 150 से सही नहीं होते, 150 से इसलिए आपके क्वेश्चन सही नहीं होते क्योंकि आपके कंसेप्ट है वो आपके स्ट्रांग नहीं होते 150 मेथड में। वेन डायग्राम से कर लो, कुछ बच्चों के वेन डायग्राम से गलत होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि उनके वेन डायग्राम से भी कंसेप्ट अच्छे नहीं होंगे। एक मेथड को पकड़ो और उसको जी जान से अपने दिमाग में अपने भेजे में घुसा लो। गलत हो जाए सिलॉक्स तो मेरा नाम बदल देना, कोई भी एक मेथड पकड़ लो, एक टीचर से पढ़ो लेकिन भटको मत, ठीक है। देखो बच्चा, जैसे मान लीजिए पंडित जी का मैं एग्जाम्पल ले लूँ, पंडित जी के पास 100 रुपये हैं, ठीक है पंडित जी, पंडित जी आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है। आपने क्या किया, भारती को, भारती ने कहा भाई तेरे पास 100 रुपये है, क्या तू मुझे 100 रुपये देगा? तो कहेगा जी मेरे पास तो 100 रुपये है, तू 100 रुपये ले ले। तो इसका मतलब क्या, वो 100 रुपये से 100 रुपये दे सकता है। यदि वो 100 रुपये पंडित जी भारती को 100 रुपये दे सकते हैं तो वो फॉलो हो जाएगा। तो बिल्कुल जो हमारा कंक्लूजन है वो क्या होगा, हमारा फॉलो होगा, ठीक है। अब कौन आया, अगेन पंडित जी ने बोला मेरे पास 100 रुपये हैं, ठीक है। भारती ने कहा कि नहीं भाई मुझे 100 रुपये नहीं चाहिए, मुझे 50 रुपये दे दे। क्या पंडित जी 100 में से 50 रुपये उसे दे सकते हैं या नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। तो पंडित जी ने क्या किया कि 100 में से 50 निकाल के भारती को दे दिए, तो भाई बिल्कुल फॉलो होगा, ठीक है। अब पंडित जी के पास बेचारे के पास 50 रुपये बचे, अब कोई और मांगने आया, अब कौन मांगने आएगा? अब मान लीजिए विष्णु मांगने आया, विष्णु ने कहा भाई तेरे पास 50 रुपये हैं, ठीक है। विष्णु ने क्या किया कि तेरे पास 50 रुपये हैं, ठीक है, मेरे को 50 रुपये दे दे। उसने कहा कि ठीक है चलो मेरे पास 50 रुपये हैं, मैं तेरे को क्या करता हूँ 50 रुपये दे देता हूँ, दे सकता है भाई 50 से 50। तो इसका मतलब क्या है, 50 रुपये यदि पंडित जी के पास है तो वो विष्णु को 50 रुपये दे सकता है, तो इसका मतलब क्या होगा, फॉलो होगा, ठीक है। अब पंडित जी के पास अगेन 50 रुपये आ गए, पंडित जी बड़े छा रहे हो, ठीक है, पंडित जी के पास दोबारा 50 रुपये आ गए। अब उसने क्या किया विष्णु ने, भाई मेरे को 100 रुपये की जरूरत है। पंडित जी कहेंगे अरे कहाँ से दूँ, मेरे पास तो 50 रुपये है। पंडित जी के पास तो 50 रुपये है ना, मान लीजिए स्टेटमेंट पंडित जी है, कंक्लूजन स्टार्टिंग में 2 में भारती थी, 2 में विष्णु है। भाई पंडित जी ने कभी मेरे पास 50 रुपये, मैं 50 से 100 कैसे दे सकता हूँ? मैं जब 50 से 100 नहीं दे सकता तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया हमारा डोंट फॉलो। क्या हो गया, डजंट फॉलो या डोंट फॉलो, कोई भी मतलब जब हमारे पास स्टेटमेंट में 50 होगा और कंक्लूजन में उस वर्ड पे 100 होगा तो वो फॉलो नहीं होगा। क्या होगा, वो फॉलो नहीं होगा। एक एग्जांपल लोगे, मान लीजिए ऑल भारती आर कृष्णा, ठीक है, ऑल भारती आर कृष्णा, भारती क्या है, ऑल है, तो ऑल क्या आ गया 150, ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट है, ये क्या हमारा स्टेटमेंट है, ठीक है। यदि मैं कंक्लूजन की बात करूँ, कंक्लूजन मैंने बना लिया ऑल कृष्णा आर भारती, ऑल कृष्णा आर भारती, ये हमारा कंक्लूजन है, ठीक है। तो ये क्या है, कृष्णा क्या है हमारा, मान लीजिए एक और बना लिया सम कृष्णा आर भारती, ठीक है, ये एग्जांपल ले रही हूँ अभी तो फिलहाल में, ठीक है। अब देखो भाई ये क्या है, ऑल है तो क्या आएगा 100, भारती कितनी आ जाएगी 50, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था ऑल के साथ क्या आएगा हमारा 150, सम के साथ आएगा हमारा 50 एंड 50, ठीक है, और यहाँ पे ऑल के साथ क्या है हमारा 100 एंड 50। अब देखो फर्स्ट कंक्लूजन को चेक करो, फर्स्ट कंक्लूजन क्या कह रहा है, कृष्णा हमारा 50 है, कृष्णा हमारा 50 है, क्या 50 से 100 जा सकता है, कृष्णा क्या 50 से 100 जा सकता है, कम है, कम से ज़्यादा चला जाएगा, नहीं जाएगा। यही तो चीज़ मैंने बोली थी, स्टेटमेंट में यदि 50 है तो कंक्लूजन में 100 बिल्कुल नहीं जाएगा।
स्टेटमेंट में क्या है, 50 है कृष्णा, कृष्णा यहाँ पे क्या आ गया 100। अरे भाई ये तो जाएगा ही नहीं, 50 से 100 नहीं जा सकता, तो ये गलत हो गया, मुझे आगे चेक ही नहीं करना। सेकंड, कृष्णा और भारती ऑल है पॉजिटिव है, सम है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव जा सकता है। यदि पॉजिटिव से पॉजिटिव जा सकता है तो बच्चा कृष्णा क्या है यहाँ पे 50 है, तो कृष्णा क्या है यहाँ पे 50 है, तो 50 से 50 जा सकता है। भारती क्या है यहाँ पे 100 है, 100 से 50 बिल्कुल जा सकता है, लेकिन 50 से 100 नहीं जा सकता है। इस बात का ध्यान रखना, स्टेटमेंट में यदि 50 है, कंक्लूजन में 100 है, तो 50 से 100 कभी भी नहीं जाएगा, बाकी हर एक कंडीशन इस पे अप्लाई होगी। ठीक है, चाहे 100 से 100 हो, चाहे 100 से 50 हो, चाहे 50 से 50 हो, लेकिन 50 से 100 बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो बच्चा जो मेरा सेकेंड कंक्लूजन है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। इतनी मोटी मोटी बात समझ में आ गई, ये तो स्टार्टिंग है भाई, ये तो हमारी स्टार्टिंग है। ठीक है, चलिए भाई फर्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, आप क्वेश्चंस पे आते हैं। अभी कोई भी क्वेश्चन में यदि आइदर और आता है तो उसे भूल जाओ, यदि कोई एक पॉजिटिव नेगेटिव दो वर्ड सेम हो, दोनों गलत, तो भूल जाओ, आइदर और के बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे। ठीक है, हटा दूँ अभी इसको, एक बार हटाना जरा इसको, क्वेश्चन को हटाओ, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कर दो, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो इसका और फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे इसे रफ करना है। ठीक है, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट नोट्स बना लो, यदि कोई स्टार्टिंग से क्लास देख रहे हो तो नोट्स बना लो, गलती कभी भी नहीं होगी सिलॉक्स में, इस बात की गारंटी मैं दे रही हूँ। इतनी प्रैक्टिस कर लो सिलॉक्स की, इतनी ज़्यादा कि क्वेश्चन आए तो पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े तुम लोगों को। ठीक है, चलिए बेबी से रफ करते हैं, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के साथ समझेंगे। चलिए भाई, हाँ जी भाई, जरा एक बार इसके ना सेटिंग सही कर जाइए टेक्निकल टीम, क्योंकि हमारा जो है वो क्वेश्चन ब्लर हो रहा है या हम ब्लर हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब तो ठीक है, अभी थोड़ा सा हुआ था प्रॉब्लम, ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलिए बच्चा बताइए, अब स्टेटमेंट नो स्टूडेंट आर यूनिवर्सिटी, ऑल यूनिवर्सिटी आर कॉलेज, कंक्लूजन दे रखे हैं। अब एक एक स्टेटमेंट को, एक एक कंक्लूजन को स्टेटमेंट लिख रही हूँ मैं, ठीक है, उसके बाद एक एक कंक्लूजन को, एक एक सिंगल सिंगल कंक्लूजन को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, ब्लर हो रहा है अभी भी ना, अभी फिलहाल ठीक है, ठीक है देखते हैं बाकी का। देखो, नो स्टूडेंट, ठीक है, नो, थोड़ा सा आराम से लिखते हैं प्यार से सजा सजा के, ठीक है, स्टेटमेंट है सिलॉक्स की, चाहे मुझे 10 क्लास क्यों ना लेनी पड़ जाए, दो दो घंटे की आराम से पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट एक एक क्लियर होंगे। ठीक है, नो स्टूडेंट आर यूनिवर्सिटी, ठीक है, देन उसके बाद है हमारा ऑल यूनिवर्सिटी। मुझे पता है आधे से ज़्यादा लोग बोर होके भाग भी गए होंगे, जहाँ जो लोग बोर होके भाग गए हैं तो भाई उनके लिए बस यही है कि भाई अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो पेपर में गलती करोगे, फिर बोलोगे मैम 150 गलत कर देता है। ठीक है, देखिए कंक्लूजन एक एक करके सॉल्व करेंगे, पहला लिखते हैं हम कंक्लूजन 1, ठीक है, और अभी मैंने आपको क्या बोला है, आइदर और का कंसेप्ट भूल जाना, आइदर और के बारे में मैं बात नहीं करूंगी अभी। ठीक है, ऑल यूनिवर्सिटी, ठीक है, ऑल यूनिवर्सिटी आर स्टूडेंट, ठीक है, ऑल यूनिवर्सिटी आर स्टूडेंट। देखो चलो भाई, ऑल यूनिवर्सिटी आर स्टूडेंट, ठीक है, चलो भाई अब बात करते हैं क्वेश्चन की। देखो ये नो है तो ये क्या आया नेगेटिव, ये क्या आया पॉजिटिव,
ठीक है, देखिए जो हमारा ये है वो क्या है, हमारा नेगेटिव, ठीक है, और ये क्या है हमारा पॉजिटिव, ठीक है। ये कितना आ गया, 9 के साथ मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, 100 एंड 100, ऑल के साथ क्या बताया था, 100 एंड 50, ठीक है। ऑल यूनिवर्सिटी आज स्टूडेंट के बारे में मैं बात करूँ तो ये क्या है, पॉजिटिव। यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, स्टूडेंट यहाँ पे है, तो बताओ यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट मुझे किससे मिल रहे हैं। यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट मेरी एक ही लाइन में है, किस में है, एक ही स्टेटमेंट में है यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट। बच्चा ये बात हो रही होती स्टूडेंट और कॉलेज की तो हम इन दोनों को लेते, जब मुझे एक ही लाइन में यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट मिल रहे हैं तो मैं यूनिवर्सिटी यहाँ से क्यों लूँगी, मैं यहाँ से क्यों लूँगी, मैं दूसरों की थाली में क्यों खाना खाने जाऊँगी, जब मेरी थाली में यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट है और रजत की थाली में यूनिवर्सिटी और कॉलेज है, तो मैं कहूँगी रजत मेरे को यूनिवर्सिटी दे दे। क्यों भाई, वो कहेगा भाई तेरी थाली में है ना यूनिवर्सिटी तो उसमें से खा, ठीक है। तो मेरी थाली में यदि यूनिवर्सिटी और कॉलेज है तो मैं पड़ोसियों की थाली में जाके नहीं खाऊंगी। तो इसका मतलब क्या है, चीज़ों को समझना, कि यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट मुझे एक ही स्टेटमेंट में मिल रहे हैं, यदि ये मुझे एक ही स्टेटमेंट में मिल रहे हैं तो फोकस मेरा इसी स्टेटमेंट पे होगा। बच्चा ये क्या है, नेगेटिव है, क्या नेगेटिव से पॉजिटिव हमारा स्टेटमेंट बन सकता है, नेगेटिव से पॉजिटिव क्या हमारा कंक्लूजन बन सकता है, नहीं बन सकता। यदि मेरा नेगेटिव से पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बन सकता तो जो बच्चा ये होगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव से मैं पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बन सकता। नेक्स्ट को चेक करूं, नेक्स्ट क्या है हमारा, सम स्टूडेंट आर यूनिवर्सिटी, सम स्टूडेंट आर यूनिवर्सिटी, ठीक है। यदि मैं सम स्टूडेंट आर यूनिवर्सिटी की बात करूं तो बच्चा अगेन ये क्या है, सम है तो ये पॉजिटिव है, यदि ये सम है और ये पॉजिटिव है और अगेन मेरे को स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी कहाँ से मिल रहे हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट से मिल रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट से मिल रहे हैं, और पता है हमें फर्स्ट नेगेटिव है, तो भाई नेगेटिव से पॉजिटिव तो कतई नहीं बन सकती, नेगेटिव से पॉजिटिव कंक्लूजन कभी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, सेकेंड भी हमारा गलत हो गया, चेक करने की जरूरत है, नहीं है चेक करने की जरूरत, 150 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। पहला जो केस होता है वो होता है पॉजिटिव से पॉजिटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव है, प्लस माइनस मिलके क्या हमारा नेगेटिव कंक्लूजन बना रहे हैं, ये चेक करो, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, वो सॉरी ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो गलत हो गया, ठीक है। बात करते हैं थर्ड की, नो यूनिवर्सिटी आर स्टूडेंट, नो यूनिवर्सिटी आर स्टूडेंट, नो यूनिवर्सिटी आर स्टूडेंट। देखो भाई नो है, नो है तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव है, तो भाई यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट कहाँ से मिल रहे हैं, यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट मुझे कहाँ से मिल रहे हैं, पहली स्टेटमेंट से मिल रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं, पहली स्टेटमेंट से मिल रहे हैं मेरे को यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट। तो पहली क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव से नेगेटिव हमारा कंक्लूजन जा सकता है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव कंक्लूजन है, तो आराम से भाग सकता है, दौड़ सकता है, भी चल भी सकता है, उड़ भी सकता है, तो नेगेटिव से नेगेटिव है वो हमारा जा सकता है। जब जा सकता है तो भाई चेक करो वर्ड्स को, वर्ड्स के आगे हमारे 100 और 100, यूनिवर्सिटी यहाँ पे 100 है, 100 से 100 जा सकता है, स्टूडेंट यहाँ पे 100 है तो 100 से 100 जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा थर्ड जो हमारा स्टेटमेंट है, जो थर्ड जो कंक्लूजन है वो क्या हो जाता है, हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। यूनिवर्सिटी 100, 100 से 100 चली गई, स्टूडेंट 100, 100 से 100 चला गया, तो हमारा जो थर्ड है वो क्या हो गया, बिल्कुल सही। बहुत बच्चों को समझ में भी नहीं आ रहा होगा, मुझे नहीं लगता जितना अब तक मैंने पढ़ाया हो, स्टार्टिंग से देख रहे हो, तो आपको समझ में नहीं आएगा, भाग के आएगा आपको समझ में, फोकस के साथ माइंड को पजल ना कर रहे हो। माइंड में मैंने अभी आपको बताई थी सिलॉक्स पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, तो अपने दिमाग में जो भी उपज है वो निकाल देना, नए फ्रेश तरीके से पढ़ना है आपको, ठीक है। भूल जाओ वेन डायग्राम में आप क्या कंसेप्ट करते थे, यदि आपको आधा अधूरा आता है वेन डायग्राम, यदि आपको परफेक्ट आता है तो उसी से करो, नहीं आता आधा अधूरा आता है पेपर में गलत करके आते हो तो ये मेथड अप्लाई कर लो, क्योंकि स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ये भी बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं किसकी, फोर्थ कंक्लूजन की, फोर्थ कंक्लूजन क्या है, सम यूनिवर्सिटी, सम यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी आर नॉट स्टूडेंट,
आर नॉट स्टूडेंट, सम यूनिवर्सिटी आर नॉट स्टूडेंट. अब देखो आर नॉट है, आर नॉट है तो क्या हो गया, नेगेटिव है. आर नॉट है, सम और नॉट है तो नेगेटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव जा सकता है. और आपको पता है यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट मुझे कहाँ से मिल रहे, पहले से मिल रहे, पहले से मिल रहे. पहली स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव से नेगेटिव जा सकता है. अब देखो सम नॉट है तो कितना आ गया, 50 और 100. सम नॉट है तो कितना आ गया हमारा, 50 और 100. यूनिवर्सिटी क्या है, 100. 100 से 50 जा सकती है ना, 100 से 50 जा सकती है, नहीं जा सकती, बिल्कुल जा सकती है. स्टेटमेंट में यदि 50 हो, कंक्लूजन में 100 हो, तो जब वो हमारा फॉलो नहीं होगा. यदि स्टेटमेंट में हमारा 100 हो तो 50 जा सकता है. यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट 100 है, तो 100 से 100 हमारा क्या है, बिल्कुल जा सकता है. तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हमारा कंक्लूजन है वो भी क्या हो जाता है, हमारा बिल्कुल सही हो जाता है. ठीक है, चलिए भाई अब देखिए जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है ऑल कॉलेज या यूनिवर्सिटी, ऑल कॉलेज आर यूनिवर्सिटी. ठीक है, ऑल कॉलेज या यूनिवर्सिटी की बात करूं तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी कहाँ पे मिल रहे हैं मुझे, कॉलेज और यूनिवर्सिटी मुझे सेकेंड स्टेटमेंट से मिल रहे हैं. सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, मेरी पॉजिटिव है. सेकेंड स्टेटमेंट यदि मेरी पॉजिटिव है तो ये भी क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव होगा. यदि सेकेंड स्टेटमेंट मेरी पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा. मतलब यदि मुझे सेकेंड स्टेटमेंट से कोई भी कंक्लूजन बनाना है तो वो हमारा क्या बनना चाहिए, पॉजिटिव बनना चाहिए, क्योंकि जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो हमारी क्या है, पॉजिटिव है. ऑल कॉलेज और यूनिवर्सिटी पॉजिटिव से पॉजिटिव जा सकता है. और कॉलेज और यूनिवर्सिटी कहाँ मिल रहे हैं मुझे, सेकेंड में मिल रहे हैं, एक ही थाली मिल रहे हैं. अगेन वही वाली बात, एक ही थाली में मिल रहे हैं. तो देखिए ऑल है तो कितना आएगा, 100 और 50. ऑल है तो कितना आ गया, 100 और 50. ठीक है, अब बच्चा ये बताओ यूनिवर्सिटी क्या है, यहाँ पे 100 है, 100 से 50 जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है. यूनिवर्सिटी 100 है तो 100 से 50 जा सकती है. कॉलेज हमारा यहाँ पे 50 है, कॉलेज हमारा यहाँ पे 50 है, क्या 50 से 100 चला जाएगा, क्या हमारा स्टेटमेंट में यदि 50 है और कॉलेज यहाँ पे 100 है, क्या ये अप्लाई हो जाएगा, नहीं होगा. तो बच्चा ये जो हमारा कंक्लूजन है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल गलत हो जाता है. क्यों भाई, 50 से 100 नहीं जाएगा तो ये गलत. ठीक है, चलिए भाई लास्ट वाला चेक कर लेते हैं. जो लास्ट वाला है वो क्या है हमारा, सम यूनिवर्सिटी आर कॉलेज, सम यूनिवर्सिटी आर कॉलेज. यदि मैं सम यूनिवर्सिटी आर कॉलेज की बात करूँ तो सम क्या है मेरा, सम बच्चा मेरा है पॉजिटिव. सम कितना है मेरा, पॉजिटिव. यदि सम मेरा पॉजिटिव है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज कहाँ से मिल रहा है, सेकेंड स्टेटमेंट से मिल रहा है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज मुझे सेकेंड से मिल रहा है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से पॉजिटिव जा सकता है. सम है तो मैंने क्या किया था, 50 और 50. सम है तो मैंने बताया था ना 50 और 50 लेना है वर्ड्स पे. वर्ड्स पे यदि हम 50 और 50 लें, कॉलेज इज 50 तो कॉलेज इज 50, कॉलेज इज 50 एंड कॉलेज इज 50, तो 50 से 50 जा सकता है. यूनिवर्सिटी 100 है तो 100 से 50 जा सकती है. यूनिवर्सिटी यदि स्टेटमेंट में 100 है तो यूनिवर्सिटी कंक्लूजन में 50 बिल्कुल जा सकती है. तो इसका मतलब जो लास्ट वाला हमारा कंक्लूजन है वो क्या होगा, हमारा फॉलो होगा. तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमारा 3rd, 4th and 6th जो होगा वो फॉलो होगा. भूल जाओ, अभी मैंने आपको क्या कहा था, एक चीज़ आपको भूल जानी है, आइदर और अभी, आइदर और पे कोई ध्यान नहीं देना. फिलहाल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंसेप्ट समझ रहे, तो वन बाय वन क्वेश्चन को अच्छे से तरीके से सॉल्व करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड लगाइए भाई. ठीक है, अब देखो कुछ कंक्लूजन चेंज हो गए. स्टेटमेंट अभी भी हमारी कुछ सेम है, लेकिन जो चेंज हुआ है वो क्या हुआ है, हमारे कंक्लूजन है वो चेंज हुए हैं. ठीक है, कंक्लूजन क्या हुए हैं, वो चेंज हुए हैं, स्टेटमेंट वही की वही है. पहला कंक्लूजन पढ़े, देखो भाई, नो स्टूडेंट आर कॉलेज. नो स्टूडेंट आर कॉलेज, ये हमारा जो है वो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है. यदि ये हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है तो बच्चा ध्यान रखना, स्टूडेंट और कॉलेज कहाँ से मिल रहे हैं,
स्टूडेंट मेरा यहाँ पे है, कॉलेज मेरा यहाँ पे है, दोनों में कॉमन क्या है? यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट मेरा फर्स्ट में है, कॉलेज मेरा सेकंड में, यूनिवर्सिटी बस उसका क्या करा रहा है, एक मीडिएटर है। यूनिवर्सिटी की वजह से हम फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर सकते हैं। पहली कौन सी नेगेटिव है, दूसरी कौन सी है, पॉजिटिव है। तो मैंने आपको बताया था नेगेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलके क्या बनाएंगे, नेगेटिव कंक्लूजन बनाएंगे। तो पहले से मिल रहा है हमें स्टूडेंट, दूसरे से मिल रहा है कॉलेज, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, नेगेटिव। तो नो क्या आ गया हमारा, नेगेटिव। नेगेटिव जा सकता है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन मिलके नेगेटिव बना रहे हैं ना। अब देखो 100 एंड 100, देखो स्टूडेंट यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, तो 100 से 100 जा सकता है। कॉलेज मेरा यहाँ पे 50 है, कॉलेज मेरा स्टेटमेंट में 50 है, तो कॉलेज मेरा 100 नहीं जा सकता। यदि स्टेटमेंट में मेरा कॉलेज 50 है, तो बच्चा मेरा स्टेटमेंट में कॉलेज है वो 100 नहीं जा सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो जाता है हमारा, गलत हो जाता है। सेकंड पे आते हैं, ठीक है, सेकंड पे आते हैं। तो सेकंड क्या कहते हैं, नो कॉलेज आर स्टूडेंट, नो कॉलेज आर स्टूडेंट। देखिए अगेन, कॉलेज और स्टूडेंट कहां से मिलेंगे, पहले और दूसरे से मिलेंगे, पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट से मिलके बन रहे हैं मेरे को क्या, कॉलेज और स्टूडेंट, पहली नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव, तो क्या बनाएगी, नेगेटिव कंक्लूजन बनाएगी। तो ये नेगेटिव ही है नो, तो भाई डाल दो 100 एंड 100। कॉलेज आपको पता है यहाँ पे 50 है, कॉलेज यदि हमारा यहाँ पे 50 है, तो 50 से 100 कभी नहीं जाएगा, तो हमारा जो सेकंड है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल गलत हो जाता है। कॉलेज यदि मेरा 50 है, तो कॉलेज मेरा 50 से 100 कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये गलत हो गया, आगे चेक करने की ज़रूरत ही क्या है, ठीक है। चलिए भाई थर्ड पे आते हैं, थर्ड जो है वो क्या कहता है हमारा, सम स्टूडेंट आर नॉट कॉलेज, सम स्टूडेंट आर नॉट कॉलेज, सम स्टूडेंट आर नॉट कॉलेज। सम नॉट है, सम नॉट है तो क्या है, नेगेटिव है। सम नॉट है तो क्या है, नेगेटिव। आपको अगेन पता है जो स्टूडेंट और कॉलेज है वो क्या है हमारा, स्टूडेंट और कॉलेज एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्टेटमेंट से मिलके बन रहा है, तो हमारा जो कंक्लूजन है वो भी क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो भाई ये तो नेगेटिव ही बन रहा है, तो भाई चेक कीजिए कितना आया, 50 एंड 100। सम नॉट के साथ जो मैंने आपको वर्ड्स बताए थे वो क्या बताए थे आपको, 50 एंड 100। स्टूडेंट 100 है, 100 से 50 जा सकता है, कॉलेज मेरा लेकिन 50 है, 50 से 100 नहीं जा सकता, तो मेरा जो थर्ड है वो क्या हो जाएगा बच्चा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉलेज मेरा 50 है, 50 से 100 नहीं जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया हमारा, ठीक है। बात करते हैं लास्ट स्टेटमेंट, लास्ट कंक्लूजन की। लास्ट कंक्लूजन क्या है हमारा, सम कॉलेज आर नॉट स्टूडेंट, सम कॉलेज आर नॉट स्टूडेंट। सम नॉट है, अगेन वही बात है, सम नॉट है नेगेटिव है, और कॉलेज और स्टूडेंट में जो फर्स्ट और सेकंड से मिला, जो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो बनेगा क्या, नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा। कुछ चीज़ें तो मेरे बोलते बोलते आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, ठीक है। तो क्या आएगा, ये नेगेटिव। मुझे नहीं लगता अब तक कोई भी डाउट होगा, क्योंकि एक एक डाउट जो बच्चों के दिमाग में आ सकता है, उसी डाउट को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको हर एक डाउट सॉल्व कराती जा रही हूँ, ठीक है। फोकस के साथ करना है बस आपको, और जो आ रहे हैं ना कि अभी मैडम नहीं आ रहा नहीं आ रहा, वो नहीं आएगा उन्हें समझ में। स्टार्टिंग से क्लास को लोगे ना, जो आज से आधा घंटे पहले चल चुकी है, जब ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा भाई, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। देखिए ये नेगेटिव आ गया, तो कितना आया, 50 और 100। सम नॉट के साथ क्या लेते हैं हम, 50 और 100। सम नॉट के साथ क्या लेते हैं हम, 50 और 100। देखिए स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे 100 है, स्टूडेंट मेरा 100 है, और यहाँ पे भी क्या है हमारा, 100 है। तो स्टूडेंट है वो 100 से 100 क्या है, बिल्कुल जा सकता है। स्टूडेंट है वो मेरा 100 से 100 क्या है, बिल्कुल फॉलो हो सकता है। अब देखो कॉलेज यहाँ पे क्या है, 50 है, कॉलेज यहाँ पे भी 50 है, भाई 50 से 50 तो जा सकता है। कॉलेज मेरा यहाँ पे 50 है, कॉलेज मेरा यहाँ पे 50 है, तो 50 से 50 जा सकता है। तो इसका मतलब ये जो लास्ट वाला कंक्लूजन होगा वो क्या होगा हमारा,
फॉलो होगा, जो लास्ट वाला जो कंक्लूजन होगा वो क्या होगा हमारा, फॉलो होगा। तो ओनली फोर्थ कंक्लूजन आर फॉलोस इज फॉलोस, ठीक है, लास्ट वाला कंक्लूजन बिल्कुल राइट होगा। क्लास को बिल्कुल भी खराब करने की जरूरत नहीं है, फोकस के साथ क्लास को ले लीजिए। मैं कमेंट्स बिल्कुल नहीं देखूंगी आज, ठीक है। मुझे पता है कमेंट्स में क्या होता है, मैं वेन डायग्राम ये सब वो सब, मैंने आपसे कहा था यदि मैं सिलॉक्स पढ़ाऊंगी तो मैं बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ाऊंगी और आपको भी फोकस के साथ पढ़ना। और मुझे पता है अब तक कोई भी डाउट नहीं होगा यदि किसी ने सीरियस तरीके से उसे देखा है, और आपने यदि अपने अंदर ही एक दिमाग में उपज बना रखी है पहले वाले मेथड अप्लाई करो तो वो नहीं निकलेगा, वो नहीं होगा, ठीक है। मैंने आपसे कहा था सिलॉक्स पढ़ना है इस क्लास में 150 मेथड से, तो अपने दिमाग को खाली करके बैठना, भूल जाओ कहीं आपने सिलॉक्स पढ़ा। यदि आपको परफेक्ट तरीके से सिलॉक्स आता है तो मत लो क्लास, नहीं आता टूटा फूटा आता तो लो, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो फटाफट से सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। फटाफट से ये बताइए कि इसमें कौन सा कंक्लूजन हमारा फॉलो होगा। All mango are vegetable ठीक है, All vegetable are mango ठीक है, कंक्लूजन है हमारे All vegetable are mango। दो दो कंक्लूजन लेके मैं चल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे से डिटेल में हम पहले पढ़ चुके हैं। ऑल ऑरेंज आर वेजिटेबल, ठीक है, देन ऑल ऑरेंज आर मैंगो, ऑल ऑरेंज आर मैंगो, ठीक है, और क्या है हमारा ऑल मैंगो आर ऑरेंज, यहाँ पे लिख देते हैं हम ऑल मैंगो आर ऑरेंज, हटा देना अब इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये हटा दीजिए क्वेश्चन, ठीक है, यही क्वेश्चन है। ये हमारा क्या आ गया, कंक्लूजन आ गया, ये स्टेटमेंट है, पूरा क्वेश्चन लिख लिया मैंने। पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद अब देखो दोनों क्या है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ऑल के साथ क्या लेते हैं हम 100 and 50, ऑल के साथ क्या लेते हैं हम 100 and 50, ऑल के साथ लेते हैं हम 100 and 50, ऑल के साथ लेते हैं हम 100 and 50, दोनों पॉजिटिव हैं तो सारे के सारे जो कंक्लूजन है वो पॉजिटिव बनेंगे, नेगेटिव बनने का तो चांस ही नहीं आता। जहां आपको दिख रहा है यदि दो स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव दे रखी है और कंक्लूजन में आपको नेगेटिव दे रखा है, गलत कर दो, दोनों पॉजिटिव है, कंक्लूजन तो नेगेटिव किसी भी हालत में नहीं बन सकता, गलत कर दो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पे आओ, ऑल वेजिटेबल आर मैंगो, ऑल ऑरेंज आर वेजिटेबल, ऑल ऑरेंज आर मैंगो, ऑल मैंगो आर ऑरेंज, चारों के चारों जो कंक्लूजन है वो क्या है हमारे, पॉजिटिव है, चारों के चारों क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, क्लियर है, चारों के चारों क्या है, पॉजिटिव है। नंबरिंग रख दो 100 and 50। वेजिटेबल और मैंगो कहाँ से मिल रहा है आपको, वेजिटेबल और मैंगो ये ऑरेंज होगा, ठीक है, इसको ऑरेंज कर लो, चलो ठीक है, इसको ऑरेंज कर लो, ठीक है। अब देखो क्या है, वेजिटेबल और मैंगो, वेजिटेबल क्या है मेरी 100 है, मैंगो क्या है मेरा 50 है, वेजिटेबल और मैंगो मुझे कहाँ से मिल रहा है, इससे मिल रहा है, वेजिटेबल और मैंगो मेरे को फर्स्ट स्टेटमेंट से मिल रहा है तो मैं सेकंड स्टेटमेंट को नहीं उठाऊंगी, मैं सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ खेलेंगे। हम खेलेंगे कैसे, मैंगो यहाँ पे 100 है, मैंगो यहाँ पे 50 है, मैंगो यहाँ पे 100 है, मैंगो हमारा यहाँ पे क्या है 50 है, तो 100 से 50 जा सकता है। वेजिटेबल मेरा यहाँ पे 50 है, वेजिटेबल यहाँ पे मेरा 50 है, तो 50 से 100 हमारा नहीं जा सकता। वेजिटेबल यदि हमारा यहाँ पे 50 है तो वेजिटेबल मेरा 100 कतई भी नहीं जाएगा। ये वाला वेजिटेबल मत उठा देना, ये वेजिटेबल कब उठाना है, जब आपको मैंगो और ऑरेंज बोल रखा हो, जब तो वेजिटेबल का काम ही नहीं है, ठीक है। तो क्या आएगा,
यदि मैं वेजिटेबल की बात करूं तो इसी वेजिटेबल के साथ खेलना है, क्योंकि मुझे वेजिटेबल और मैंगो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट में दे रखा है। वेजिटेबल और मैंगो यदि मुझे एक ही स्टेटमेंट में दे रखा है तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं सेकेंड स्टेटमेंट को देखूँ। ठीक है, अभी तो बहस चल रही होगी, मैम वेजिटेबल है यहाँ पे 100 है, यहाँ पे वेजिटेबल 100 है तो क्या करें? डजंट मैटर, मुझे कुछ खेलना ही नहीं, वेजिटेबल 100 हो चाहे कुछ भी हो, वेजिटेबल यहाँ पे तो 50 है ना, एक ही थाली में मेरे को वेजिटेबल और मैंगो मिल रहा है, मैं एक ही थाली के साथ खेलना है हमें, तो वेजिटेबल यहाँ पे 50 तो वेजिटेबल यहाँ पे 100 तो नहीं जाएगा, गलत हो गया। यदि मैं सेकेंड की बात करूँ, सेकेंड जो कंक्लूजन है वो क्या हो जाता है हमारा, देखिए तो ये गलत हो गया हमारा। सेकेंड की बात करते हैं कितना आ गया पॉजिटिव, ठीक है ये कितना आ गया मैं 150 आ गया। अब देखो ऑरेंज और वेजिटेबल कहाँ से मिल रहा है, ऑरेंज और वेजिटेबल मेरे को मिल रहा है सेकेंड स्टेटमेंट से, किससे मिल रहा है, ऑरेंज और वेजिटेबल मिल रहा है मेरे को सेकेंड स्टेटमेंट में, ऑरेंज यहाँ पे 50 है, ऑरेंज यहाँ पे 50 है तो 50 से 100 कभी नहीं जाएगा, यदि स्टेटमेंट में मेरा ऑरेंज है वो हमारा 50 है तो 50 से 100 बच्चा कभी नहीं जाएगा, तो ये जो हो जाता है वो क्या हो जाता है हमारा, गलत हो जाता है ये कंक्लूजन। ठीक है, हम आपको पता है हम एक चीज़ पहले ही चेक कर चुके हैं, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन पॉजिटिव होने चाहिए और चारों के चारों कंक्लूजन हमारे पॉजिटिव हैं, हमें उसके बाद क्या चेक करना है 150, 50 यदि स्टेटमेंट में होगा कंक्लूजन में 100 नहीं होना चाहिए, ऑरेंज यहाँ पे 50 है 50 से 100 नहीं जाएगा, गलत। ये क्या हमारा ऑल ऑरेंज आर मैंगो, ऑल ऑरेंज आर मैंगो, यदि मैं ऑल ऑरेंज के बारे में बात करूँ तो 100 50, आपको पता है ऑरेंज यहाँ पे 50 है, ऑरेंज यहाँ पे 50 है तो ऑरेंज यहाँ पे 100 जा ही नहीं सकता, तो गलत कर दो। ऑरेंज यहाँ पे मेरा 50 है, ऑरेंज मेरा 100 यहाँ से नहीं जा सकता, तो ये गलत कर दो। और बच्चा जब तुम इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना, पेन चलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे तो चलाना पड़ा क्योंकि मुझे आपको समझा रही हूँ, तो मैं नहीं चलाती, कभी देखा है ना क्लास में, कभी भी मैं सिलॉक्स कर रही होती हूँ बोर्ड के सामने, मेरा मुँह होता है 100 50 100 50 करके कट कट करके आंसर आपके हाथ में होता है, सामने होता है, तो वैसी आपको आदत पड़ जाएगी, लेकिन अभी तो आपको करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी भी सिलॉक्स के लिए। तो ऑरेंज 50 है, 50 से 100 नहीं जा सकता, तो ये भी फॉलो नहीं होगा। बात करें ऑल मैंगो और ऑरेंज की, ऑल है तो 150, मैंगो कितना है, मैंगो यहाँ पे हमारा क्या है, मैंगो और ऑरेंज किससे मिल रहा है, पहले और दूसरे से, पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट से मिलकर क्या मिल रहा है मेरे को, मैंगो और ऑरेंज। आपको पता है वेजिटेबल तो मीडिएटर है, वेजिटेबल का क्या करूं, दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही बनेगा, मैंगो यहाँ पे 100 है, ऑरेंज यहाँ पे 50 है, मैंगो यहाँ पे 100 से 100 जा सकता है, ऑरेंज मेरा 50 से 50 जा सकता है, तो मेरा क्या आएगा ओनली फोर्थ कंक्लूजन क्या होगा हमारा, फॉलो होगा, ओनली फोर्थ कंक्लूजन क्या होगा हमारा, फॉलो होगा, बाकी के बाकी जो तीनों जो हमारे कंक्लूजन है वो क्या हो जाएंगे हमारे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि मैंगो यहाँ से 100 है तो 100 से 100 जा सकता है, ऑरेंज मेरा 50 है तो 50 से 50 जा सकता है, तो ओनली जो फोर्थ होगा वो क्या होगा बच्चा, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट स्लाइड करना, क्वेश्चन सेम वही है, स्टेटमेंट बिल्कुल सेम वही है, कंक्लूजन चेंज हो जाते हैं, कंक्लूजन चेंज हो जाते हैं, तो फटाफट से मैं कंक्लूजन लिख देती हूँ तो आंसर बताना क्या होगा, इस क्वेश्चन का तरीका बताऊंगा आप कैसे सॉल्व करोगे फटाफट से। ठीक है, सम मैंगो आर ऑरेंज, ठीक है सॉरी, सम मैंगो आर वेजिटेबल, सम मैंगो आर ऑरेंज भी है, सम मैंगो आर वेजिटेबल, ठीक है सम वेजिटेबल आर मैंगो आर मैंगो, और क्या है सम ऑरेंज आर मैंगो, हटा दीजिए एक बार स्लाइड, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो पहले मैं आपको तरीका बता देती हूँ, फिर पेपर में कैसे अप्लाई करना उस तरीके को, कैसे चुटकियों में सॉल्व करना वो मैं बता देती हूँ, वही तरीका है, दोनों पॉजिटिव है तो सारी के सारे कंक्लूजन हमारे पॉजिटिव है, कहीं नो और सम नॉट नहीं है, ये भी हमारा पॉजिटिव, ये भी हमारा पॉजिटिव, ये भी हमारा पॉजिटिव और ये भी हमारा पॉजिटिव है। सम क्या होता है हमारा, सम के साथ आता है बच्चा हमारा 50 एंड 50, फैमिलियर हो चुके होंगे अब तक आप,
100 से 50 फेमिलियर हो चुके होंगे। आपको पता है एक केस ही हमारा ड्रोन फोला आता है, वो आता है हमारा 50 से 100, मुझे इतना पता चल गया है, ठीक है। देन सम के साथ क्या आता है, 50 एंड 50, लिख दो भाई सम के साथ कितना आता है, 50 एंड 50, सम के साथ क्या आएगा, 50 एंड 50, ठीक है। कंक्लूजन में एक में भी 100 है, कंक्लूजन में एक में भी 100 है, आप सारे कंक्लूजन पढ़ लो, कंक्लूजन में एक में भी 100 है, नहीं है, कंक्लूजन में एक में भी 100 नहीं है ना। अब तरीका बताऊंगी बाद में जो चुटकियों में उड़ाना है, अभी फिलहाल आपको क्या करना है, मैंगो और ऑरेंज कहाँ से मिलेंगे, मैंगो यहाँ से, ऑरेंज यहाँ पे, पहली और दूसरी से मिलेंगे, पहले और दूसरे से मेरे को मैंगो और ऑरेंज मिल रहे हैं, तो बच्चा ऑरेंज 50 है, 50 से 50 जा सकता है, मैंगो मेरा 100 है तो 100 से 50 जा सकता है, तो पहला बिल्कुल सही। सेकंड मैंगो आर वेजिटेबल, मैंगो आर वेजिटेबल किससे मिलेगा, फर्स्ट से मिलेगा, 100 हमारा मैंगो है तो 100 से 50 जा सकता है, वेजिटेबल मेरा 50 है 50 से 50 जा सकता है, तो सेकंड भी सही। वेजिटेबल और मैंगो के बारे में बात करूँ तो अगेन मुझसे कहाँ से मिलेगा, फर्स्ट से मिलेगा, फर्स्ट से मिलेगा, वेजिटेबल मेरा 50 है 50 से 50 जा सकता है, मैंगो मेरा 100 है तो 100 से 50 जा सकता है। ऑरेंज और मैंगो के बारे में बात करूं तो ऑरेंज और मैंगो मेरे को फर्स्ट और सेकंड से मिलके बन रहा है, तो ऑरेंज मेरा 50 है तो 50 से 50 जा सकता है, मैंगो मेरा 100 है तो 100 से 50 जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चारों की चारों जो कंक्लूजन है वो हमारे बिल्कुल सही हो जाते, जो भी अभी तक हम मेथड को यूज़ कर रहे थे। उड़ाया अभी से पेपर में कैसे उड़ाना है, अनसर्टेन के केस के बारे में अभी मैंने बताया नहीं, वो आगे मैं बताऊंगी अनसर्टेन केस होता क्या है, लेकिन फिलहाल अभी ये समझ जाओ जब हमारा अनसर्टेन केस ना हो और ऑल हो, मतलब चाहे हमारे स्टेटमेंट में 150 हो, कुछ भी हो, ठीक है 150 होगा और कंक्लूजन हमारे सारे 50 से होंगे, और दोनों स्टेटमेंट, यदि कोई भी स्टेटमेंट हमारी सिर्फ पॉजिटिव होगी और कंक्लूजन हमारे सारे पॉजिटिव होंगे, ध्यान रखना दोनों क्या थे इसमें, पॉजिटिव थे, दोनों पॉजिटिव थे, कंक्लूजन भी हमारे सारे पॉजिटिव थे, जब ऐसी कंडीशन आ जाए और यहाँ पे हमारे जो कीवर्ड्स हो वो क्या हो, सम और सम, क्योंकि आपको पता है 100 तो होगा ही नहीं, 50 से 100 तो जाने वाली कंडीशन ही अप्लाई नहीं होगी क्योंकि 50 से 50 है, तो आपको पता है वो सम जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। मैंने आपसे क्या कहा था स्टार्टिंग में कि दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव के बाद हमारे जो सारे कंक्लूजन हैं वो भी पॉजिटिव हैं, और किसी भी कंक्लूजन में हमारे वर्ड्स पे 100 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 50 हो 50 से 50 जा सकता है, 100 ही नहीं आ रहा, तो चारों के चारों क्या हो गई है, हमारे कंक्लूजन बिल्कुल सही हो जाएंगे। यदि मैं होती एग्जाम में, मैं बैठी होती तो मैं ये देखती कि दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कुछ भी बनेगा, पॉजिटिव ही बनेगा, नेगेटिव तो बनेगा ही नहीं, ठीक है, चारों के चारों जो हमारे कंक्लूजन है वो क्या हो जाते हैं, हमारे पॉजिटिव हो जाते हैं, वो भी सम के केस में, सम है तो हमारा 50 एंड 50 रहेगा, यदि 50 एंड 50 रहेगा तो किसी भी कंक्लूजन में हमारा जो 100 है वो नहीं आ रहा है, तो बच्चा यदि हमारे स्टेटमेंट में 50 है और कंक्लूजन में हमारे 100 होने के चांसेस ही नहीं हो जाते, यदि स्टेटमेंट में हमारे 50 है तो कंक्लूजन में 100 के चांसेस ही नहीं हो जाते, यदि उसके चांस ही खत्म हो गए तो हमारे सारे के सारे क्या होंगे, कंक्लूजन बिल्कुल सही होंगे, लेकिन कब होंगे, जब वो अनसर्टेन का केस नहीं होगा, ठीक है, अनसर्टेन के केस के बारे में बात करेंगे लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या होगा, चारों के चारों जो कंक्लूजन है वो क्या होंगे, हमारे बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड लगाइए। चलिए भाई करिए इस क्वेश्चन को फटाफट से, आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा। No train is moto. No train is moto. ठीक है, then some train are auto. ठीक है, then conclusion है हमारा no moto is train. ठीक है, ऑल ट्रेन आर मोटो, ऑल ट्रेन आर मोटो, ठीक है, ट्रेन आर मोटो, सम ऑटो आर नॉट ट्रेन, सम ऑटो आर नॉट
ट्रेन, एक में दिखाना एक देखे, सम ट्रेन आर नॉट ऑटो, अब हटा दीजिए, सम ट्रेन आर नॉट ऑटो, ये क्वेश्चन है, ठीक है हटा दीजिए अब, ठीक है ये क्वेश्चन है, ये हो गया हमारा कंक्लूजन, क्वेश्चन हटा दीजिए, क्वेश्चन हटा दीजिए अब, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, ये क्या है, नेगेटिव है, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो ये कितना आ गया, नो है तो 100 एंड 100, सम है तो कितना आ गया 50 एंड 50, ठीक है। यदि दोनों से मिलके बनेगा तो क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, यदि सिंगल से बनेगा तो सिंगल से बनेगा एक नेगेटिव बनेगा एक पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। यदि ट्रेन और ऑटो के बारे में बात होगी तो वो पॉजिटिव बनेगा, ट्रेन और मोटो के बारे में बात होगी तो वो नेगेटिव बनेगा, मोटो और ऑटो के बारे में बात होगी तो वो बनेगा हमारा क्या, नेगेटिव, क्योंकि दोनों से मिलके बन रहा है। बात करें क्वेश्चन की, देखिए कंक्लूजन है, ये क्या है, नेगेटिव है क्योंकि नो है, मोटो और ट्रेन कहाँ पे है, फर्स्ट में है, मोटो और ट्रेन कहाँ पे है, मेरा फर्स्ट में है, और जो कंक्लूजन है, जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है, तो कंक्लूजन भी नेगेटिव है। नो है तो क्या आ गया, 100 और 100, ट्रेन यहाँ पे सो है तो सो से सो जा सकता है, मोटो इज 100 है तो मोटो 100 से 100 जा सकता है, तो इसका मतलब पहला क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। यदि मैं बात करूँ सेकेंड की, ट्रेन और मोटो, ट्रेन और मोटो कहाँ से मिल रहे हैं, मुझे फर्स्ट से मिल रहा है, फर्स्ट क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, फर्स्ट यदि मेरी नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव तो बनेगी नहीं, यदि वो पॉजिटिव नहीं बनेगी तो सेकंड गलत हो गया, यदि फर्स्ट स्टेटमेंट मेरी नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव कंक्लूजन तो कतई नहीं बना सकती, वो पॉजिटिव नहीं बना सकती तो और क्या होता है, पॉजिटिव होता है तो गलत। सम ऑटो आर नॉट ट्रेन, सम ऑटो आर नॉट ट्रेन, यदि मैं बात करूँ सम ऑटो आर नॉट ट्रेन के बारे में तो ऑटो और ट्रेन कहाँ से मिल रहे हैं, ऑटो और ट्रेन मेरे को सेकेंड स्टेटमेंट से मिल रहे हैं, ऑटो और ट्रेन किससे मिल रहे हैं मेरे को, सेकेंड स्टेटमेंट से मिल रहा है। यदि सेकेंड स्टेटमेंट मेरी पॉजिटिव है तो वो कभी भी नेगेटिव जो है वो हमारा कभी भी नहीं बनाएगी क्या, कंक्लूजन कभी भी नहीं बनाएगी, क्योंकि सम नॉट क्या होता है, हमारे नेगेटिव होता है, सम नॉट हमारा जो कीवर्ड्स है वो नेगेटिव होता है, तो ये हमारा कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं बनाएगी। सम ट्रेन आर नॉट ऑटो, अगेन वही बात, सम ट्रेन और ऑटो कहाँ से मिल रहे हैं, सेकेंड स्टेटमेंट से, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है मेरी, सेकेंड स्टेटमेंट है वो है हमारी पॉजिटिव है, यदि ये हमारी पॉजिटिव है तो बच्चा ये कभी भी नेगेटिव नहीं बनाएगी, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा जो इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ हमारा ओनली वन है वो फॉलो होगा, और बाकी के जो हमारे तीनों हैं वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड करना, चलो भाई क्वेश्चन सेम है, नो ट्रेन इज मोटो, सम ट्रेन आर ऑटो, जो कंक्लूजन है वो चेंज हो जाता है, तो कंक्लूजन हम लिख लेते हैं फटाफट से, आप इतने आंसर बताइए इसके, इसका आंसर क्या होगा निकालिए खुद, उसके बाद समझाने का तरीका तो मुझे पता ही है, मुझे समझाना है, ठीक है ध्यान से करोगे सिलॉक्स कभी भी एग्जाम में गलत नहीं करोगे, देखिए ध्यान से नहीं करोगे तो 101% एग्जाम में गलत करोगे। देखिए नो ऑटो इज मोटो, नो ऑटो इज मोटो, ठीक है, नो मोटो इज ऑटो, नो मोटो इज ऑटो, ठीक है, देन सम ऑटो आर नॉट मोटो, सम ऑटो आर नॉट मोटो, ठीक है, सम ऑटो आर नॉट मोटो, आगे एक रह गया, सम मोटो आर नॉट ऑटो, सम मोटो आर नॉट ऑटो, अब हटा दीजिए, ये क्वेश्चन है, कंक्लूजन है। अब देखिए ऑटो मोटो, मोटो ऑटो, ऑटो मोटो, मोटो ऑटो, मोटो और ऑटो का ही कंसेप्ट है, यदि सिर्फ मोटो और ऑटो का कंसेप्ट है इसमें तो किससे मिलेगा, किससे मिलके बनेगा, ये हमारी क्या है, नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मोटो और ऑटो है सारे कंक्लूजन में, यदि मोटो और ऑटो है तो क्या बनेगा, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इन दोनों स्टेटमेंट से मिलके बन रहा है, तो हमारा जो कंक्लूजन बनेगा वो भी क्या बनेगा, हमारा नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा, नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव,
ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, चारों के चारों नेगेटिव तो जा सकता है भाई, चारों के चारों जा सकता है, तो इसका मतलब क्या है, हमें चेक करना पड़ेगा। अब क्या चेक करेंगे, फर्स्ट स्टेज हमारा क्लियर हो गया, दोनों नेगेटिव है, दोनों से मिलके क्या बनेगा, नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा और सारे नेगेटिव कंक्लूजन है। तो भाई नो ऑटो इज मोटो, ऑटो इज हंड्रेड, हंड्रेड ऑटो कितना है, ऑटो हमारा यहाँ पे 50 है बच्चा। किसी भी केस में यदि आपको दिख जाए कि ऑटो हमारा 50 है 100 है तो वो गलत कर दो, क्योंकि यहाँ पे ऑटो क्या है 50 है, 50 से 100 तो जाएगा नहीं, तो ये भी गलत। आपको पता है नो है तो ये 100, ये 100, आपको पता है ऑटो यहाँ पे 50 है, 50 से 100 तो कतई ही नहीं जा सकता, यदि 50 से 100 नहीं जा सकता तो इसे भी गलत कर दो। सम ऑटो आर नॉट मोटो, सम नॉट है, सम नॉट है तो कितना आएगा 50 और 100, कितना आएगा 50 एंड 100। आपको पता है ऑटो 50 है, 50 से 50 जा सकता है, मोटो 100 है तो 100 से 100 जा सकता है, तो हमारा जो थर्ड कंक्लूजन है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। लास्ट की बात करो तो ये कितना आ गया 50 एंड 100, क्योंकि सम नॉट है। आपको पता है यहाँ पे ऑटो कितना है 50 है, यदि ऑटो हमारा 50 है तो ऑटो हमारा 100 कभी नहीं जा सकता, तो हमारा जो ये वाला भी है वो भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, फोर्थ कंक्लूजन। प्रैक्टिस में आ ही गया होगा अब तो, अब तो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस में आ ही गया होगा, क्योंकि बहुत आसान है सिलॉग्स को पढ़ना। यदि आपने दिमाग में वही सिलॉग्स घुमा रखा है, अपने वही कंसेप्ट घुमा रखे हैं, तो ये वाला जो सिलॉग्स है वो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा और फंस के और रह जाओगे। करना है सिलॉग्स, यदि वेन डायग्राम अच्छे से आते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है इस कंसेप्ट को उठाने की, वेन डायग्राम नहीं आता तो इस कंसेप्ट को उठाना, ठीक है। बार बार यही बोलूँगा, जो भी बच्चा बीच में आएगा उसे सिलॉग्स सतई भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा थर्ड। देखो आपको पता था ना यहाँ पे ऑटो 50 है, यहाँ पे भी ऑटो आपको 100 दिखा, वहाँ कैंसिल कर दो, बहुत आसान है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए भाई, बहुत बड़ा है, बताइए अभी करिए, ठीक है। अब थोड़ी देर रुक जाओ, एक मिनट हटा दो इस क्वेश्चन को। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे क्या बात कर रही थी, अनसर्टेन के केस के बारे में बात कर रही थी, किसके बारे में, अनसर्टेन, अनसर्टेन केस। अनसर्टेन केस जो होता है वो सिलॉग्स में वो होता है हमारे दो टाइम पे, दो होते हैं, ठीक है। अनिश्चित, अनिश्चित, अनसर्टेन मतलब अनिश्चित, ठीक है। अनसर्टेन केस में जो केस वन होता है, अब ध्यान से सुनना, जो केस वन होता है, जैसे सपोज कीजिए ऑल राजू आर पंडित जी, ठीक है, सम पंडित जी आर स्नेहा, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है तो आपको पता है ऑल इज पॉजिटिव, ऑल क्या है हमारा पॉजिटिव, सम इज पॉजिटिव, ये स्टेटमेंट है, ठीक है, क्या है, स्टेटमेंट है आपकी ये। ऑल पे क्या आता है हमारा 100 एंड 50, सम पे क्या आता है हमारा 50 एंड 50। अब अनसर्टीन केस को समझना, अभी अनसर्टीन का कोई भी क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया था, अनसर्टीन केस होता क्या है पहले उसे जान लो भाई, अनसर्टीन केस होता क्या है। देखो ऑल आया 150, सम आया 50 एंड 50। अनसर्टेन वो केस होता है जहां पे हमारी कॉमन वर्ड पे, कॉमन वर्ड क्या है यहाँ पे पंडित जी, और यहाँ पे कॉमन वर्ड क्या है पंडित जी, जहां पे हमारे कॉमन वर्ड पे 50 एंड 50 आ जाए, कॉमन वर्ड पे 50 एंड 50 आ जाए तो वो कहलाता है हमारा अनसर्टेन केस। लिख लो भाई नोट्स में, बना रहे होंगे नोट्स, यदि हमारे कॉमन वर्ड पे 50 एंड 50 आ जाए तो हमारा बनता है वो अनसर्टेन केस। अनसर्टेन केस में क्या हमारे रूल्स होते हैं, सिर्फ एक ही रूल होता है। यदि अनसर्टेन केस में क्या होता है, यदि हमें कोई भी, जैसे मान लीजिए हमें कंक्लूजन दे दिया, कंक्लूजन क्या दे दिया, सम राजू आर स्नेहा, ठीक है, नो स्नेहा आर राजू,
आपके पास ये दो स्टेटमेंट आ गई, दो कंक्लूजन आ गए, सम राजू और स्नेहा, नो स्नेहा और राजू, कुछ नहीं करना, कॉमन वर्ड नहीं आ रहा दोनों में। यदि अनसर्टेन केस में कंक्लूजन में हमारा कॉमन वर्ड नहीं आ रहा है तो दोनों के दोनों जो कंक्लूजन होंगे वो क्या होंगे, हमारे गलत होंगे। क्या होंगे? गलत होंगे। एक बार और सुन लो, यदि कॉमन वर्ड पे हमारा 50 एंड 50 आ जाए तो वो कहलाता है हमारा अनसर्टेन केस। और अनसर्टेन केस पे क्या होता है, अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड को छोड़कर सारे के सारे जो कंक्लूजन है वो गलत हो जाते हैं। यदि कंक्लूजन में मेरा कॉमन वर्ड नहीं आ रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि कॉमन वर्ड आएगा तो चेक करना पड़ेगा, जो अभी तक चेक करते आ रहे थे चेक। यदि कॉमन वर्ड आएगा तो चेक करना पड़ेगा, जो अभी तक हम चेक करते आ रहे थे। अगेन, जब तक, ठीक है, जब हमारे कॉमन वर्ड पे 50-50 हो तो अनसर्टेन केस कहलाता है। अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड को छोड़कर सारे के सारे कंक्लूजन गलत हो जाते हैं। यदि कॉमन वर्ड है हमारे कंक्लूजन में, पंडित जी यदि हमारे किसी भी कंक्लूजन में होते तो वो क्या हो जाता, बिल्कुल सही नहीं होता, चेक करना पड़ता। चेक कैसे करते, जो भी हम अप्लाई कर रहे थे मेथड को, ठीक है। एक तो होता है केस वन, ये वाला कॉमन वर्ड पे 50-50 हो, और दूसरा केस जो होता है, दो ही केस होते हैं अनसर्टेन केस के, और जो दूसरा केस होता है अनसर्टेन का वो क्या होता है, केस टू, नो कृष्णा और भारती, ठीक है, सम भारती आर नॉट सलोनी, सम भारती आर नॉट सलोनी, जो दूसरा केस बनता है हमारा किसका, अनसर्टेन केस का, वो क्या बनता है, जब हमारा दोनों स्टेटमेंट, जब हमारी दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो, जब वो अनसर्टेन केस कहलाता है। और अगेन उसमें सेम रूल अप्लाई होता है, यदि जिसमें हमारा कॉमन वर्ड नहीं आ रहा है तो वो सारे के सारे क्या होंगे, कंक्लूजन हमारे गलत होंगे। जब हमारा दो केस कॉमन वर्ड पे 50-50, सेकेंड केस जब दो स्टेटमेंट हमारी नेगेटिव होती है तब हमारा क्या बनता है, अनसर्टेन का केस बनता है। यदि अनसर्टेन का केस बनेगा तो अनसर्टेन के केस में कॉमन वर्ड को छोड़कर सारे के सारे कंक्लूजन गलत होंगे। यदि वो कंक्लूजन हमारा गलत होगा तो वो गलत ही होगा। और यदि कॉमन वर्ड आ जाए, सपोज कीजिए भारती कॉमन वर्ड आ जाए कंक्लूजन में, तो आपको चेक करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि ये सही है या गलत है, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चंस के साथ इसकी प्रैक्टिस। क्वेश्चन लगा दीजिए, और अभी आइधर और का दिमाग में मत रखना, ठीक है, आइधर और भूल जाओ। जब आप बोलूंगे ना आइधर और, जब दिमाग में आएगा, ठीक है। स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट, ऑल बोर्ड आर कैमरा, ऑल बोर्ड आर कैमरा, ठीक है, सम कैमरा आर मार्कर, सम कैमरा आर मार्कर, ठीक है, ठीक है। देन कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है हमारा फर्स्ट, ऑल मार्कर आर बोर्ड, ठीक है, देन हमारा ऑल बोर्ड आर मार्कर, ठीक है। फिलहाल हम इन्हीं को करते हैं, देन उसके बाद आगे कॉल कर लेंगे, ठीक है। अभी फिर सिर्फ स्टार्टिंग के दो को लिया है हमने, सम कैमरा आर मार्कर, ठीक है। देखो भाई, ये स्टेटमेंट है, ये हमारा कंक्लूजन है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है दोनों, ठीक है। नंबर रख लो 100 एंड 50, एंड क्या आएगा हमारा 50 एंड 50। आपको पता है कॉमन वर्ड क्या है, कैमरा है, कैमरा हमारा क्या है, कॉमन वर्ड है, कैमरा क्या है, कॉमन वर्ड है, और कॉमन वर्ड पे क्या आ रहा है हमारा 50 एंड 50 आ रहा है। यदि कॉमन वर्ड पे हमारा 50 और 50 आ रहा है तो ये क्या हो गया, हमारा अनसर्टेन केस हो गया। क्या हो गया,
अनसर्टेन केस हो गया, अनसर्टेन केस हो गया, तो किसी भी कंक्लूजन में यदि मेरा कैमरा नहीं आ रहा है तो वो सारे के सारे जो कंक्लूजन होंगे वो क्या होंगे, गलत, कैमरा है नहीं गलत, कैमरा है नहीं है गलत है। थर्ड को चेक कर लो, सम मार्कर आर बोर्ड, कैमरा नहीं है गलत, सम बोर्ड आर मार्कर, कैमरा नहीं है गलत, नो मार्कर आर बोर्ड, नो तो वैसे ही नहीं बनेंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो हमारे बनेंगे ही नहीं, यदि नेगेटिव हमारे कंक्लूजन नहीं बनेंगे तो नीचे के चारों तो वैसे ही गलत हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, सारे के सारे जो कंक्लूजन होंगे वो क्या होंगे, गलत होंगे। अभी आइदर और के भाई बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है। तो क्या होंगे, सारे के सारे जो कंक्लूजन होंगे वो क्या होंगे, हमारे बिल्कुल गलत होंगे। कॉमन वर्ड क्या है, कैमरा है, अनसर्टेन केस है, यदि अनसर्टेन केस है तो कैमरा नहीं आ रहा है तो भाई गलत कर दो, गलत कर दो, कंक्लूजन गलत कर दो, गलत है भाई, गलत है वो, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट कीजिए स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड देखिए, अब देखिए स्टेटमेंट वही है, स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं है, चेंज कहाँ है, कंक्लूजन में, ऑल कैमरा आर बोल्ड, ऑल कैमरा आर बोर्ड, ठीक है, ऑल कैमरा आर मार्कर, ऑल कैमरा आर मार्कर, ठीक है, और देन क्या है हमारा, ऑल मार्कर आर कैमरा, ऑल मार्कर आर कैमरा, ठीक है, और है हमारा सम कैमरा आर बोर्ड, सम कैमरा आर बोर्ड, देन उसके बाद है हमारा सम बोर्ड आर कैमरा, सम बोर्ड आर कैमरा, और उसके बाद हमारा सम मार्कर आर कैमरा, हटा दीजिए अब, सम मार्कर आर कैमरा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, कंक्लूजन कितने हैं, 6 कंक्लूजन दे रखे हैं। आपको पता है अनसर्टेन केस है, अनसर्टेन केस में कैमरा आना बहुत ज़रूरी है, कैमरा यहाँ भी है, कैमरा यहाँ भी है, कैमरा इधर भी है, कैमरा इधर भी है, कैमरा इधर भी है, कैमरा इधर भी है, सब में आ रहा है कैमरा, जब सब में कैमरा आ रहा है तो अब तो भाई चेक करना पड़ेगा, अब तो हम नहीं कर सकते गलत गलत गलत, अब चेक करना पड़ेगा। दोनों पॉजिटिव हैं तो सारे पॉजिटिव बनने चाहिए, सारे पॉजिटिव ही बनेंगे, ऑल भी पॉजिटिव, ऑल भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, कोई नेगेटिव बन ही नहीं रहा, गलत भी नहीं कर सकते। देखो भाई कैमरा और बोर्ड, कैमरा और बोर्ड कहाँ पे है, यहाँ पे है, कैमरा और बोर्ड मेरे को कहाँ पे मिल रहे हैं, पहली स्टेटमेंट से मिल रहे हैं, पहली स्टेटमेंट से मिल रहे हैं, तो ऑल के साथ क्या गया 150, बच्चा कैमरा क्या है यहाँ पे 50 है, यदि कैमरा मेरा 50 है तो 50 से 100 नहीं जा सकता, भाई चेक करना पड़ेगा अब तो, कैमरा यदि मेरा 50 है 50 से 100 नहीं जाएगा, गलत, ठीक है, ऑल आ गया, क्या आ गया हमारा 150, ठीक है 150, कैमरा और मार्कर कहाँ है, सेकेंड में है, कैमरा और मार्कर कहाँ है, सेकेंड में है, यदि कैमरा और मार्कर मेरे को सेकेंड स्टेटमेंट से मिल रहा है तो कैमरा यहाँ पे भी 50 है, तो बच्चा 50 से 100 तो बिल्कुल नहीं जाएगा। और आपको पता है कॉमन वर्ड यदि 50-50 हो तो हमारा अनसर्टेन का केस होता है, तो कैमरा तो हमेशा यहाँ पे क्या आना चाहिए, 50 आना चाहिए कंक्लूजन में, 100 जाएगा तो वो गलत ही हो जाएगा, ठीक है। ऑल मार्कर आर कैमरा 150, ऑल मार्कर आर कैमरा 150, मार्कर कहाँ पे है, मार्कर और कैमरा मुझे कहाँ से मिल रहा है, सेकंड स्टेटमेंट से मिल रहा है, मार्कर और कैमरा मुझे कहाँ से मिल रहा है, सेकंड स्टेटमेंट से मिल रहा है, तो बच्चा मार्कर यहाँ पे क्या है 50 है, तो मार्कर हमारा 100 जा ही नहीं सकता, कैमरा हमारा 50 है, बेचारा अभी 50 से 50 जा सकता था लेकिन मार्कर ने धोखा दे दिया, मार्कर ने क्यों धोखा दे दिया कि मार्कर ने कभी मैं तो 50 हूँ तो 100 तो जाएगा ही नहीं, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा गलत हो गया। सम कैमरा आर बोर्ड 50 एंड 50, 50 एंड 50, 50 एंड 50, क्योंकि तीनों में क्या है सम है, तीनों में सम है तो सम है, तो सम के साथ क्या आएगा 50 एंड 50। कैमरा और बोर्ड कहाँ है, पहले में है, पहले में है कैमरा और बोर्ड, तो कैमरा यहाँ पे 50 है, 50 से 50 जा सकता है, बोर्ड हमारा 100 है तो 100 से 50 जा सकता है, बोर्ड और कैमरा ले लो, आपको पता है बोर्ड यहाँ पे 100 है तो 100 से 50 जा सकता है, कैमरा यहाँ पे मेरा 50 है तो 50 से 50 जा सकता है, मार्कर और कैमरा ले लो, आपको पता है सेकंड स्टेटमेंट से मुझे मार्कर और कैमरा मिलेगा, मार्कर यहाँ पे 50 है
50 से 50 जा सकता है, कैमरा मेरा यहाँ पे 50 है तो 50 से 50 जा सकता है। तो बच्चा जो लास्ट के तीनों है हमारे कंक्लूजन वो क्या होंगे, हमारे फॉलो होंगे, और बाकी के स्टार्टिंग के जो तीनों कंक्लूजन है वो हमारे फॉलो नहीं होंगे। अनसर्टेन केस की एक खासियत है, यदि अनसर्टेन केस होगा तो कॉमन वर्ड को छोड़ के सारे कंक्लूजन गलत होंगे, यदि कॉमन वर्ड आएगा तो आपको चेक करना है जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, क्वेश्चन को टाइप कीजिए, लिखिए, फिर बताते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। आपको बताया था कि दो केस होते हैं हमारे अनसर्टेन के, एक तो कॉमन वर्ड हमारा 50-50 हो और एक दूसरा क्या हो, हमारी दो स्टेटमेंट नेगेटिव हो। इसमें क्या है, दो स्टेटमेंट हमारी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। कौन कौन सी भाई, स्टेटमेंट, ठीक है, नो शेयर आर टेबल, ठीक है, नो टेबल आर स्विच, नो टेबल आर स्विच, ठीक है। कंक्लूजन क्या है हमारा, नो चेयर आर स्विच एंड नो स्विच आर चेयर, नो स्विच आर चेयर, काफ़ी, इतना और लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। देखो ये आ गए हमारी कंक्लूजन, ठीक है, अभी तक तो आपने आंसर दे भी दिए होंगे, कैसे आपको पता है, ये नेगेटिव दोनों मिलके क्या बनाएंगे, नेगेटिव नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे, अनसर्टेन केस बनाएंगे, अनसर्टेन केस बनाएंगे। तो कॉमन वर्ड क्या है, टेबल, कॉमन वर्ड क्या है हमारा, टेबल है। बच्चा यदि जिसमें हमारा टेबल नहीं आ रहा है ना, वो सारे कंक्लूजन गलत है। क्या चेयर और स्विच में टेबल आ रहा है, नहीं, स्विच और चेयर में टेबल आ रहा है, नहीं, देन सम स्विच आर नॉट चेयर, स्विच और चेयर है टेबल नहीं है, गलत। लास्ट वाला देख लो, सम चेयर आर नॉट स्विच, टेबल नहीं है, गलत। तो चारों के चारों जो कंक्लूजन हो गए वो क्या हो गए, हमारे गलत हो गए, चारों के चारों जो कंक्लूजन है वो हमारे गलत हो गए, क्योंकि बच्चा ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, अनसर्टेन बनाएगा। यदि टेबल वर्ड नहीं आ रहा किसी भी कंक्लूजन में तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, नहीं 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 करिए करिए पहले वाला करिए, पहले वाला करना एक बार, ठीक है नेक्स्ट, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, देखिए सम सम अर्जुन आर नॉट बबीता, ठीक है, एक एक कंक्लूजन करके करें इस क्वेश्चन को। देन सम डॉल आर नॉट अर्जुन, सम डॉल आर नॉट अर्जुन, ठीक है, कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम डॉल आर नॉट बबीता, ठीक है, सम बबीता आर नॉट डॉल, सम बबीता आर नॉट डॉल, ठीक है। चलिए एक बार हटाइए इस क्वेश्चन को, देखो ये कंक्लूजन है, अभी हमने स्टार्टिंग के दो कंक्लूजन लिए हैं, आपको पता है ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, जब दोनों नेगेटिव है तो इसमें कॉमन वर्ड को छोड़कर सारे के सारे कंक्लूजन गलत हो जाएंगे। तो कॉमन वर्ड कौन सा है, अर्जुन, सर्कल लगा लो भाई, कॉमन वर्ड कौन सा है, अर्जुन। यदि जिससे भी कंक्लूजन में हमारा अर्जुन नहीं आएगा वो क्या हो जाएगा, गलत, अर्जुन नहीं है बेचारा गलत, अर्जुन नहीं है बेचारा गलत। क्वेश्चन लगाइए एक बार, ठीक है, जिसमें अर्जुन आएगा हमें बस उसे चेक करना है, बाकी के तो गलत है ही है। क्वेश्चन, ठीक है, नो डॉल आर बबीता, भाई अर्जुन नहीं आ रहा गलत हो गया, नो बबीता आर डॉल, अर्जुन नहीं आ रहा गलत हो गया, सम बबीता आर नॉट अर्जुन, जो लास्ट के दोनों हमारे कंक्लूजन है उसमें हमारे क्या आ रहा है, अर्जुन आ रहा है। तो हम लिख ले भाई, सम बबीता आर नॉट अर्जुन, ठीक है, एंड नो डॉल आर अर्जुन, हटा दीजिए, नो डॉल आर अर्जुन, ठीक है, लास्ट का कंक्लूजन, क्योंकि स्टार्टिंग के चारों कंक्लूजन में हमारा अर्जुन आ ही नहीं रहा था, अर्जुन नहीं आ रहा था तो क्या करते हम उसका गलत ही करते,
क्योंकि अनसर्टेन केस है। यदि मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, सम बबीता नॉट अर्जुन, आपको पता है अर्जुन आ रहा है, दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो नेगेटिव ही बनेगा, सिंगल सिंगल नेगेटिव नेगेटिव दोनों नेगेटिव है। बबीता और अर्जुन सम नॉट है, तो कितना आ गया 50 और 100। बबीता और अर्जुन कहाँ से मिलेंगे आपको? बबीता और अर्जुन मुझे मिलेंगे फर्स्ट से। किससे मिलेंगे? फर्स्ट हमारे किससे मिलेंगे? फर्स्ट स्टेटमेंट से मिलेंगे हमें बबीता और अर्जुन। यदि बबीता और अर्जुन मुझे फर्स्ट से मिलेंगे तो अर्जुन क्या है? 50। बबीता कितनी है? 100। डॉल कितनी है? 50। और अर्जुन कितना है हमारा? 100। बबीता और अर्जुन किससे मिल रहे हैं? पहले से मिल रहे हैं। किससे मिल रहे हैं? पहले से मिल रहे हैं। तो बबीता यहाँ पे कितनी है? 100। तो 100 से 50 जा सकता है। अर्जुन कितना है यहाँ पे? 50 है, तो 50 से 100 हमारा नहीं जा सकता। अर्जुन क्या है यहाँ पे? 50। तो बच्चा 50 से 100 नहीं जा सकता। यदि मैं बात करूँ नो डॉल आर अर्जुन, तो डॉल इज 100, अर्जुन इज 100। डॉल और अर्जुन कहाँ से मिलेंगे? इससे मिलेंगे। किससे मिलेंगे? डॉल और अर्जुन मुझे किससे मिलेंगे? सेकंड स्टेटमेंट से मिलेंगे। यदि डॉल और अर्जुन मुझे सेकंड स्टेटमेंट से मिलेंगे तो बच्चा क्या है? अर्जुन यहाँ पे 100 है, अर्जुन 100 से 100 जा सकता है। डॉल हमारी 50 है, बेचारी डॉल ने धोखा दे दिया, तो क्या है? 50 से 100 नहीं जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा कंक्लूजन है वो भी लास्ट वाला हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। इसका मतलब हमारे कोई भी कंक्लूजन इसमें क्या है? सही नहीं है। ठीक है, क्लियर है? आसान है भाई, इतना मुश्किल नहीं है। चलो एक कंक्लूजन इसी में बना दूं मैं तुम्हारे लिए। नहीं बन सकता भी, गलत ही बनेगा। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? चारों के चारों हमारे इसमें क्या हो जाएंगे? बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई एक बार हटाइए अब इसको, क्वेश्चन को हम देखते हैं। अभी क्वेश्चन क्या है बच्चा? अब आएगा हमारा आइदर और का कंसेप्ट। ठीक है, क्या आएगा हमारा? आइदर और का कंसेप्ट आएगा। एक बार हटाइए क्वेश्चन को, देखिए आइदर और के कंसेप्ट में आपको क्या करना होता है? लिख लीजिए भाई, आइदर और तीन कंडीशन होती है। क्या होती है? एक पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव कंक्लूजन हो, कंक्लूजन की बात चल रही है। ठीक है, एक पॉजिटिव कंक्लूजन हो और एक नेगेटिव कंक्लूजन हो। सेकंड में क्या होता है? सेकंड में होता है हमारे दोनों गलत हो, मतलब पहला कंक्लूजन भी गलत हो, सेकंड भी गलत हो, और दोनों के वर्ड्स क्या हो? हमारे सेम हो। दोनों के वर्ड्स क्या हो? हमारे सेम हो। सपोज नो गजेंद्र आर कनिका, ठीक है, सम कंक्लूजन की बात है, ये सिर्फ कंक्लूजन बता रही हूँ। ठीक है, और सपोज करना है, सिर्फ कंक्लूजन ही है ना। हाँ ठीक है, सम कनिका आर गजेंद्र, ठीक है, सपोज कीजिए दोनों के दोनों क्या है? हमारे गलत है। क्या है? दोनों के दोनों गलत है। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, सॉरी एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। दोनों के वर्ड सेम हो, गजेंद्र गजेंद्र कनिका कनिका, ऐसी बात नहीं है कि गजेंद्र के गजेंद्र नीचे आएगा, कनिका के नीचे कनिका आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसे भी हमारे वर्ड सेम है, तो क्या लगेगा? आइदर वन और टू, आइदर वन और टू का इसमें कंसेप्ट लगता है। अब एक चीज और ध्यान रखना, यदि यहाँ पे, यदि मैं यहाँ पे ऑल कर दूँ, क्या हमारा आइदर और का कंसेप्ट लगेगा? यदि मैं यहाँ पे ऑल कर दूँ तो क्या हमारा आइदर और का कंसेप्ट लगेगा? देखो बच्चा, एक एक्सेप्शन है हमारे आइदर और में, वो क्या है? नो और ऑल मिलके, नो और ऑल मिलके कभी भी हमारा आइदर और नहीं बनाते हैं। तो गलती से ये मत लिख देना आइदर वन और टू, यदि दोनों गलत भी हैं तो जब भी मत लिख देना आइदर वन और टू, क्योंकि नो प्लस ऑल मिलके कभी भी हमारे आइदर और का कंसेप्ट नहीं बताते। तो कृपया करके नोट ज़रूर बना लेना, ठीक है, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा और मेरी जो मेहनत है वो बेकार जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लगा दीजिए।
देखिए जो क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है हमारा, ऑल पार्टी आर पब, ऑल पार्टी आर पब, ठीक है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्वेश्चन, देन उसके बाद कुछ कर लेंगे। सम पब आर डिस्को, सम पब आर डिस्को, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, नो पार्टी आर डिस्को, नो पार्टी आर डिस्को, ठीक है। सम डिस्को आर पार्टी, सम डिस्को आर पार्टी, ठीक है। अब क्वेश्चन को हटा दीजिए जरा। देखो भाई ये क्या हमारा कंक्लूजन है, ये क्या स्टेटमेंट है, पॉजिटिव पॉजिटिव। नंबर रख दो, ऑल है तो कितना है 150, सम है तो कितना है 50 एंड 50। ऑल है तो 150, सम है तो 50 एंड 50। यदि यहाँ पे हमारा नो है, अब बताओ भाई कॉमन वर्ड क्या है इसका, कॉमन वर्ड आ गया हमारा पब। क्या आ गया, कॉमन वर्ड आ गया हमारा पब, क्या आ गया पब। यदि कॉमन वर्ड हमारा पब है तो क्या है भाई, अनसर्टेन का केस है। किसका, अनसर्टेन का केस है। तो इसका मतलब क्या है, जिसमें भी हमारा पब नहीं होगा कंक्लूजन में वो क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी गलत, पब नहीं है भाई, तो ये भी गलत, पब नहीं है, दोनों गलत हो गए। जिस भी कॉमन वर्ड में हमारा, जिस भी स्टेटमेंट में यदि हमारा अनसर्टेन केस बन रहा है, मतलब क्या है, दो केस है, कॉमन वर्ड 50-50 और दूसरा केस क्या है, दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव होनी चाहिए। तो उसमें क्या होगा, कॉमन वर्ड को छोड़कर सारे के सारे जो कंक्लूजन होंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे गलत हो जाएंगे। यदि ये दोनों गलत हो गया, लेकिन एक चीज है, ये क्या है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और दोनों के वर्ड्स क्या है, सेम है, दोनों के वर्ड्स क्या है, सेम है, पार्टी पार्टी, डिस्को डिस्को, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और दोनों गलत है। तो आंसर क्या आएगा इसका, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आइदर वन और टू। क्या आएगा, आइदर वन और टू, क्या आएगा, बिल्कुल राइट आंसर आएगा, ठीक है। आइदर वन और टू का रूल एक बार मैं लिख देती हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। क्या आएगा, आइदर वन और टू, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। इतना लो तुम्हें पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा डिटेल में से लॉक्स कभी जिंदगी में, ठीक है। देखो भाई आइदर और का कंसेप्ट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। कंक्लूजन यदि मेरा एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत हो और वर्ड्स क्या हो, सेम हो, तो ये तीनों कंडीशन जब फुलफिल होंगे हमारी, तो आइदर और का कंसेप्ट लगेगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कर दो भाई। ठीक है एक मिनट, हटाइए इसे, हटा दीजिए कुछ, हाँ भाई स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है मे बी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाना, हाँ बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखा चुकी हूँ अभी तक वो सारे इसमें हैं। बस एक चेन रूल रह गया, एक पॉसिबिलिटी रह गई, दो रूल रह गए हमारे पूरे उसमें, वो अभी कंप्लीट नहीं होंगे, तो एक दिन हम उसकी क्लास अगेन 2 घंटे के लगाएंगे सिलॉक्स की। उससे पहले आपको इस सबका जो मैंने अब तक पढ़ाया है वो कर लेना, चेन रूल बताना पड़ेगा, नहीं तो कहोगे मैम चेन से क्वेश्चन नहीं निकल रहे, क्योंकि 3 स्टेटमेंट वाले आ जाएंगे ना, उसे कहते हैं हम चेन रूल। 3 स्टेटमेंट वाले हो, 4 स्टेटमेंट वाले हो, तो उसे चेन रूल से कैसे आपको काटना उस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए पहले मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ, सिलॉक्स जब तक मत करना है जब तक पूरा चैप्टर सिलॉक्स का हमारा हो नहीं जाता, ठीक है। नो काउ इज चेयर, ऑल चेयर्स आर टेबल, ऑल चेयर्स आर टेबल, ठीक है। कंक्लूजन क्या कह रहा है, कंक्लूजन कहता है हमारा सम टेबल्स आर चेयर्स, ठीक है। सम टेबल्स आर काउ, सम टेबल्स आर काउ, ठीक है। आगे नहीं कर रही मैं अभी, इतना काफी है, ठीक है। एक लिख ही लेते हैं फिर कर लेंगे, सम
चेयर्स आर काउ, सम चेयर्स आर काउ, एक दो तीन चार, नो टेबल इज काउ, नो टेबल इज काउ, हटा दीजिए अब इसको, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन है उसे क्या करेंगे, ये क्या है नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव, ठीक है। काउ इज 100, चेयर इज 100, क्योंकि नो के साथ क्या आता है 100 और 100, ऑल के साथ कितना है 100 एंड 50, क्या आएगा 100 एंड 50। आप देखो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव अनसर्टेन का केस तो वैसे ही नहीं बन रहा, क्योंकि कॉमन वर्ड पे यहाँ पे 100 है, कॉमन वर्ड पे यहाँ पे 100 है, 50 50 है नहीं, और दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं है, तो अनसर्टेन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अनसर्टेन का मतलब नहीं है, तो सम टेबल आर चेयर, यदि मैं टेबल और चेयर के बारे में बात करूँ तो टेबल और चेयर कहाँ से मिल रहे हैं, सेकेंड स्टेटमेंट से मिलेंगे। टेबल और चेयर कहाँ से मिलेंगे, सेकेंड स्टेटमेंट से मिलेंगे। यदि सेकेंड स्टेटमेंट से हमारे टेबल और चेयर मिलेंगे तो बच्चा ये क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव जा सकता है क्योंकि सम भी हमारा पॉजिटिव है। टेबल यहाँ पे 50 है, सम के साथ कितना है 50 एंड 50, टेबल यहाँ पे 50 है, टेबल हमारा यहाँ पे 50 है, चेयर हमारा यहाँ पे क्या है 100 है, तो चेयर हमारा यहाँ पे क्या है 50 है, तो 100 से 50 हमारा कंक्लूजन जा सकता है, तो पहला बिल्कुल सही। सेकेंड की बात करो, टेबल और काउ, टेबल और काउ कहाँ पे है, टेबल इसमें है, काउ इसमें है, टेबल हमारा सेकेंड स्टेटमेंट में है, काउ हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट में, यदि टेबल हमारा सेकेंड में है, काउ हमारा फर्स्ट में है, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगी, नेगेटिव बनाएगी। यदि नेगेटिव बनाएगी तो बच्चा ये तो पॉजिटिव बना रही है, तो ये हमारा गलत हो गया, ये क्या हो गया हमारा गलत हो गया। सम चेयर आर काउ, यदि मैं सम चेयर आर काउ के बारे में बात करूँ तो चेयर और काउ कहाँ पे है, फर्स्ट स्टेटमेंट में है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है नेगेटिव है, और ये क्या बना रहा है पॉजिटिव, तो ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि चेयर और काउ कहाँ पे है मेरा फर्स्ट में है, फर्स्ट स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो कंक्लूजन पॉजिटिव बना नहीं सकती, ये गलत। नो टेबल इज काउ, यदि मैं नो टेबल इज काउ के बारे में बात करूँ तो टेबल यहाँ पे है, काउ यहाँ पे, टेबल इज पॉजिटिव और हमारा जो काउ है वो एक हमारा नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव बन के क्या बनाएगा नेगेटिव कंक्लूजन बनाएगा, तो भाई वो नेगेटिव ही है, चेक कर लेते हैं। नो के साथ क्या आएगा 100 और 100, टेबल क्या है, टेबल यहाँ पे 50 है, 50 से 100 नहीं जा सकता, टेबल हमारा क्या है स्टेटमेंट में 50 है, तो 50 से 100 नहीं जाएगा, तो ये क्या हो गया गलत हो गया। यदि ये गलत हो गया तो हमारा क्या आएगा ओनली वन कंक्लूजन, बट अब एक केस लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा इसमें एक केस क्या लग रहा होगा, ये क्या हमारा नो है, ये क्या हमारा सम है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या है गलत है, दोनों के दोनों कंक्लूजन के साथ गलत तो है, और साथ में टेबल काओ, टेबल काओ दोनों के जो वर्ड्स है वो क्या है बिल्कुल हमारे सेम है, यदि दोनों के वर्ड्स हमारे सेम है तो क्या आएगा आइदर सेकेंड और फोर्थ, क्या आएगा आइदर सेकेंड और फोर्थ जो आएगा वो बिल्कुल राइट आंसर आएगा, ओनली वन कंक्लूजन फॉलो एंड आइदर सेकेंड एंड फोर्थ क्या होगा बिल्कुल राइट आएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाना, बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा, अब सिर्फ प्रैक्टिस करो भाई, जितना पढ़ा दिया है उसकी प्रैक्टिस करो, दोबारा वीडियो को देखो, दोबारा वीडियो के बाद समझो, चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, अभी सिलॉक्स करने की ज़रूरत नहीं है जब तक पॉसिबिलिटी और चेन रूल नहीं हो जाता, और मुझे पता लगता है कि चेन रूल और पॉसिबिलिटी अभी होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे 1.5 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, आधा घंटा बचा, आधे घंटे में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चेन रूल और पॉसिबिलिटी हम किसी दिन आपको मैं बता दूंगी, इस दिन चेन रूल और पॉसिबिलिटी हो रहा है, ठीक है। चलिए बताइए, देखिए स्टेटमेंट है, क्या है हमारा ऑल बुक्स आर नॉवेल्स, ठीक है, सम नॉवेल्स आर पोएम्स, ठीक है। कंक्लूजन है हमारा सम बुक आर पोएम, सम पोएम्स आर नॉवेल, सम पोएम्स आर नॉवेल्स, ठीक है। चलो भाई देखो ये क्या है कंक्लूजन है,
ऑल क्या है पॉजिटिव, सम क्या है पॉजिटिव, 100 and 50, 50 and 50। अब देखो कॉमन वर्ड क्या है इसमें, कॉमन वर्ड हमारा फिफ्थ नॉवल है, नॉवल है, नॉवल पे भी 50, नॉवल पे भी 50, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा अनसर्टेन केस है, अनसर्टेन केस है, तो कंक्लूजन में जिसमें हमारा नॉवल नहीं है वो क्या हो जाएगा, गलत। सम बुक आर पोएम, नॉवल नहीं है तो गलत, सम पोएम आर नॉवल, नॉवल है भाई, अब चेक करना पड़ेगा, अब चेक करना पड़ेगा क्या आएगा, पॉजिटिव है, दोनों हमारा पॉजिटिव है। पोएम और नॉवल कहाँ पे है, पोएम और जो नॉवल है वो हमारा सेकंड में है, किस में है, पोएम और जो नॉवल जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है, सेकंड में है, पोएम नॉवल हमारा सेकंड में, यदि ये हमारा सेकंड में है तो सम के साथ क्या आ गया, 50 and 50। सम हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से पॉजिटिव जो कंक्लूजन है वो हमारा क्या है, बिल्कुल जा सकता है। तो देखिए पोएम हमारा 50 है, 50 से 50 चला गया, नॉवल हमारा 50 है तो 50 से 50 जा सकता है, तो हमारा जो लास्ट वाला कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, हमारा बिल्कुल सही हो सकता है, फॉलो हो सकता है, तो सेकेंड जो कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, एक बार समरी देख लो जो अब तक पढ़ाया, हटाना जरा इस क्वेश्चन को, हटा दीजिए समरी, देखिए जो अभी तक मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ाया है, देखिए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है, पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव कंक्लूजन बनेगा, नेगेटिव स्टेटमेंट होगी तो नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट मिलके बनाएगा नेगेटिव कंक्लूजन जो अब तक पढ़ाया था। ठीक है, देन उसके बाद मैंने आपको कीवर्ड्स बताए थे, ऑल, सम, नो और सम नॉट के, ऑल के साथ और सम दोनों पॉजिटिव हैं, नो और सम नॉट हमारा नेगेटिव है, ऑल होगा तो आएगा हमारा 100 and 50, सम के साथ आएगा हमारा 50 and 50, ये फर्स्ट वर्ड के लिए, सेकंड वर्ड के लिए, नो के साथ आएगा हमारा 100 and 100, सम नॉट के साथ आएगा हमारा 50 और 100। ठीक है, देन उसके बाद क्या आ जाता है हमारे, उसके बाद आ जाता है हमारा एक रूल, वो रूल क्या है हमारा, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, यदि स्टेटमेंट में हमारा 100 है तो कंक्लूजन में 100 से 100 फॉलो हो सकता है, यदि स्टेटमेंट में मेरा 100 है तो कंक्लूजन में यदि 50 है तो फॉलो हो सकता है, स्टेटमेंट हमारा 50 है और कंक्लूजन हमारा 50 है तो वो भी फॉलो हो सकता है, लेकिन स्टेटमेंट में हमारा 50 है तो 50 से 100 कभी भी फॉलो नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, मैंने बताया था उसके बाद आपको अनसर्टेन केस, क्या बताया था, अनसर्टेन केस, अनिश्चित केस, ये होते हैं हमारे दो टाइप के, कब होता है केस वन कब होगा, जब हमारा कॉमन वर्ड, कॉमन वर्ड 50-50 होगा, या हमारी दोनों स्टेटमेंट क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, दो स्टेटमेंट नेगेटिव होगी, और इसमें क्या होता है, कॉमन वर्ड के अलावा एक्सेप्ट कॉमन वर्ड ऑल अदर कंक्लूजन आर रॉन्ग। ठीक है, और कॉमन वर्ड होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, यदि कॉमन वर्ड होगा तो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, एक जाते जाते बताया था आपको आइदर और, ठीक है, आइदर और का क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक पॉजिटिव कंक्लूजन हो एक नेगेटिव कंक्लूजन हो, कंक्लूजन की बात हो रही है, ठीक है, ठीक है, और दोनों के दोनों गलत हो और वर्ड्स क्या हो हमारे सेम हो, वर्ड्स क्या हो हमारे सेम हो, ये अभी तक जो भी पढ़ाया हुआ है ये उसकी एक समरी है, क्वेश्चंस तो आप कर ही लोगे लेकिन जो अभी तक पढ़ाया है वो अभी हमारी समरी है। हमारे दो टॉपिक रह गए हैं, दो टॉपिक कौन से रह गए हैं, चेन रूल और पॉसिबिलिटी, इनको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे फटाफट से। ठीक है, ओनली हो या मोस्ट हो, ऑलमोस्ट हो, एटमोस्ट हो, उनके लिए क्या वर्ड्स यूज़ किया जाएगा, या फ्यू हो क्या यूज़ किया जाएगा वो भी बताएंगे, लेकिन वो बताएंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, वो कब बताएंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तो फटाफट से जितना अभी पढ़ाया उसकी समरी है तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, और जो भी पढ़ाया है उसको आपको पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े आप इन क्वेश्चनों में से एक भी क्वेश्चन
सॉल्व नहीं कर पाओगे, यदि कंसेप्ट वीक रह गए 150 के तो गलत ही करके आओगे एग्जाम में, कोई और नहीं आएगा आपको कराने के लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट्स बना भी लिए होंगे। तो अब मिलेंगे मैं आपसे कल की क्लास में, सुबह सुबह 9 बजे ही हमारी क्लास होगी, 10 बजे नहीं होगी। तो मिलेंगे मैं आपसे 9 बजे की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।